to Big Boss 17 live review with me, Andy. So welcome, everybody. Thank you for joining. And thank you to all of our members and subscribers and likers. Thank you so much for being here and being a part of this channel. So guys, aaj sabse pehle bolna chahunga Jai Shri Ram. Ji haan, aaj pran pratishtha ki jo hui hai ab puja Ayodhya mein. I'm very happy about it. Maine bahut celebrate kiya. I hope aap logon ne bhi utna hi celebrate kiya hoga jitna maine kiya. Maine obviously main I've been under the weather, so that's why main bahar nahi ja paya, but definitely maine puri tarah se koshish ki to be a part of the celebration. So Jai Shri Ram to everybody. Okay, so guys, aaj tha press round, aur wo bhi tha aisa press round jo pehle bhi humne bahut baar yahi dekha hai ki TV actors ke liye press ek alag way mein ya actors ke liye अलग वे में ट्रीट करते हैं या सेलिब्रिटीज को. मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ पे जितना भी अंकिता को फील होता है उतना भी हमें बाहर भी बैठ के फील होता है. एंड इस बार मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही थी और दिख रहा था, बहुत साफ साफ से दिख रहा था कि काफ़ी सारे प्रेस वाले जो हैं वो अंकिता के लिए ही हैं वहाँ पे. अंकिता को अच्छे क्वेश्चंस पूछ के, अंकिता को बेचारी दिखा के, अंकिता को ऐसा कोई भी मुश्किल सवाल नहीं पूछने के लिए कि उनका रिश्ता छोड़ो, पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी जुबान बकवास बकी है पिछले दो हफ्ते से ही, उससे पहले भी बहुत किया है, पर वो कुछ नहीं पूछेंगे. तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा. मुझे अजीब लगा कि ये मुश्किल सवाल जो दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए थे वो अंकिता के लिए क्यों नहीं थे. और वहां पे ऑब्वियसली वहां पे उनके रिश्तेदार भी बैठे हैं सामने, आमने सामने, जो बहन बोलते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि मैंने तो इनकी बहुत बजाए, ये करी वो करी. चलो ठीक है, अगर इतने में आप खुश हैं तो आप उतने में खुश रहिए. एनीवे, तो ये TV9 से जो क्वेश्चन था कि विकी आपकी जो लड़ाइयां हैं स्क्रिप्टेड है, या फिर जो अभिन शेख ने बोला था कि आप माइक के बगैर बात करते हैं शाम को और क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं, तो विकी का आंसर है 200% ऑर्गेनिक है भाई. ऐसी कोई शादी है नहीं जिसपे लड़ाइयाँ ना हो, पर ऐसी शादियाँ भी होती हैं कि इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती और इतनी टॉक्सिसिटी की लेवल पे नहीं पहुँचती हैं. वी कुड हैव सेड दैट. टेरी चक्कर ने पूछा अभिषेक को कि आपको लगता है कि आपको जीतना चाहिए जबकि आप किसी को थप्पड़ मार के बाहर से वापस आए हैं. एंड तो अभिषेक का, अभिषेक के लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा एक्चुअली आज, मैं अगर बोलूँ तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसको पूछे गए थे, उनको कहीं ना कहीं लेबल करा जा रहा था कि ये एक वुमन बीटर है, ये एक यू नो एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है, ये चिल्लम चिल्ली करता है, अग्रेसिव है, बाहर आके आप वही अग्रेशन दिखाएंगे. तो बेसिकली अभिषेक को बहुत अच्छी तरह से लेबल कर चुके हैं कि ये अग्रेसिव है, ये वुमन बीटर है. तो ये काफ़ी मुझे उसके लिए बुरा लगा. बट डेफिनेटली जो जो अभिषेक ने इस शो में किया है वो ही आके बोलेंगे ना, और उसको मुश्किल आप सलवा पूछ सकते थे और पूछे भी हैं. तो मुनव्वर की नो गेम प्लान के ऊपर भी बहुत बोला गया कि मुनव्वर आपका गेम प्लान, आप कहते हैं गेम चालू होगी चोले की नहीं हुई तो क्या है वो, तो आपकी गेम क्यों नहीं चालू हुई, कब चालू होगी. और आई हैव टू से मुनव्वर ने जब भी कोई भी क्वेश्चन उसको मिला है, अब उसके जो उसकी जो कला है लफ्ज़ों के साथ खेलने की, वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह दिख रहा है. उसको क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाता था अपने, उसने अपने अल्फाजों में बड़ी अच्छी तरह से उसने जवाब दिए कि मैं बहुत सॉरी हूँ और मैं, हम सब इस शो में जो आए हैं हम संत नहीं हैं, हम सेलिब्रिटी हैं और इंसानों से गलती होती है, यू नो, बट इंसानों से गलती होती है, पर वो इतने जो आपने गलतियां की हैं वो तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा. मतलब अगर आप लड़कियों को म्यूज़िक वीडियो की द्वारा लूर करते हैं, और वो भी लड़कियां जो जस्ट नाबालिग से हर किसी एक साल ऊपर है या नाबालिग हैं, तो वो
वो इंसानों की गलतियों में गलतियां में नहीं गिनी जाती, वो पापों में गिनी जाती है, और वो पाप है. तो यू नो सो देयर इज अ फाइन लाइन हियर. सो एनीवे, तो एडी थे फिल्म ज्ञान से. क्या पूछा था अरुण? हाँ, ये मुझे बहुत बुरा लगा जो अरुण कौन ने पूछा कि अरुण आपको कैसे, आप कैसे यहाँ बैठ सकते हैं इन लोगों के साथ, कि आपकी तो बड़ी अच्छी लक है. क्या बात है भाई, वो बिग बॉस में आया था. बिग बॉस में उसने कभी भी इतना किसी को जाके कोई गाली गलौज नहीं किया जब तक उसके ऊपर कहीं नहीं हुआ. ऊपर से उसने हमेशा अपने स्टैंड लिए हैं, चाहे वो किसी और के भी लिए हैं, चाहे वो बीच में आया है, पर उसने स्टैंड तो लिया है, अपनी आवाज यूज करी है. एंड वो एक्चुअली अगर देखा जाए सबसे कम टॉक्सिक है इस घर के अंदर अभी फिलहाल. तो ऐसा पूछना कि आपको क्या लगता है कि आपको इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं बैठना चाहिए, जबकि वो कंटेस्टेंट बन के आया था, यहां तक पहुंचा है, तो आप कौन होते हैं उसको यह वाला क्वेश्चन पूछने के लिए? आई थॉट इट वॉज सो बिलो द बेल्ट एंड क्वाइट नास्टी, वेरी नास्टी एक्चुअली. तो आई हैव टू कम ऑन दिस. मनारा और अंकिता के बीच का जो रिश्ता है, नहीं है, अंकिता को प्रेस के सामने मनारा की बिल्कुल बेइज्जती, कैरेक्टर असैसिनेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर तुरंत प्रेस चले गए और वापस वो सॉरी बोलनी शुरू कर दी मनारा को. मैं इसके ऊपर थोड़ा और बोलना चाहूंगा. बेसिकली अगर अंकिता को प्रॉब्लम था अपने हस्बैंड से, कि उसका हस्बैंड एक ऐसी लड़की से बात कर रहा है जिससे उसकी नहीं बनती, तो वो मनारा का प्रॉब्लम नहीं है, वो अंकिता तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी पति के लिए. ये मनारा का बीच में क्यों घसीट रहे हो बार बार? अगर मनारा और विकी की दोस्ती है, अगर मनारा उसको पूछती है, उसको बोलती है, अगर तुम्हारा पति उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए तैयार हो जाता है, आपको नहीं करता, तो वो मनारा की गलती नहीं है. तो ये मुझे सुनाती है, ये मुझे सुनाती है, पर पॉइंट तो ये है ना कि आपका हस्बैंड करता है तभी तो आपको सुनाती है. प्रॉब्लम आपको अपने हस्बैंड के साथ है, आप पूरा ब्लेम और बलि का बकरा मनारा को बना रही हो. अपने रिश्ता, जो भी आपका रिश्ता है, जो भी उसकी उसमें खामियां हैं, आपने मनारा को वहां पे आपने बलि का बकरा बनाया. क्यों? आप डायरेक्टली बोलो ना अपने हस्बैंड को, हस्बैंड आपका गलत कर रहा है, मनारा नहीं. अगर मनारा के साथ उसकी दोस्ती है तो वो दोस्ती रखेगी, क्यों नहीं रखेगी, जैसे आपने मुनव्वर के साथ दोस्ती रखी. मुझे तो ये बहुत बुरा लगा कि मनारा के लिए आज जिस तरीके से फिजा फूज वाली ने बोला कि आप वनबी हो, हमें तो लगता पूरी सीजन में आप ही वनबी लग, आप लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो. तो फिर आप क्या कर रही हो फिजा फूज, आप क्या कर रही हो? आप भी बैठ के वो ही कर रही हो जो आप कंप्लेन कर रही हो. तो आपने ये भूल गए कि आप प्रेस हैं, आपको क्वेश्चन पूछने आना था, स्टेटमेंट्स बनाने आना नहीं था. अगर आपको स्टेटमेंट्स बनाना था फिर आपको प्रेस बुलाना चाहिए था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पर आप प्रेस बन के आई थी तो आपको आपको प्रेस बन के क्वेश्चंस करने चाहिए थे, स्टेटमेंट्स नहीं करने चाहिए थे, और लड़की का असैसिनेशन नहीं करना चाहिए था टीवी के ऊपर, उसको वनबी बोल के. जैसे कि आपको, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि मनारा ने लोगों को वनबी बोला वहां पे. आपने इतनी पुरानी बात पकड़ी कि खानजादी को कैरेक्टरलेस तब बोला था. तो आपने अंकिता का बिहेवियर ये पूरे 2 हफ्ते से मनारा के लिए जो जो बोला गया है, आई एम ग्लैड कि मनारा ने बोला कि विकी की सॉक्स को चाट एंड ऑल ऑफ दीज बातें, चल चल शर्ट, ये शर्ट शर्ट अप शर्ट अप ऑडियो, सारी चीजें जो बोली हैं अंकिता ने मनारा के लिए, और यहां तक बोली है कि मनारा मुझे चिढ़ाती है मेरे हस्बैंड को. ये भी गंदी बात है जो आप कर रही हो, जो एक लड़की नहीं कर रही है. मनारा ने जानबूझ के कभी नहीं विकी को जाके दोस्ती बनाई ताकि आपको ऐसा लगे, और आप ये मान भी रही हैं. प्रेस चले जाती है फिर आपको मनारा के पास जाके वो मानना है, नहीं, मैंने मैंने ही गलत माना, मैंने ही गलत किया, मैं ही गलत हूं, मैं सॉरी हूं, अंकिता बोल रही है खुद ब खुद. तो मुझे मत बोलो, अंकिता जब खुद ही अपनी गलती मान रही है तो मैं कहां से उसको ना बोलो कि नहीं भाई आप गलत हो. तो एंड एक और पॉइंट अंकिता का, जब भी किसी और का क्वेश्चन, खास करके मनारा का क्वेश्चन होता था, तो बीच में आपको बोलने का हक क्या है? जब क्वेश्चन पूछा गया है मनारा को या मुनव्वर को या किसी और को, अंकिता आपको बीच में क्यों बोलना है? आप इतनी कंट्रोल फ्रीक क्यों बन रही हो? आप क्यों, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रूड जिस तरीके से
वो बीच बीच में इतनी बार बोली, इतनी बार, इट इज टेरेबल. वहां से साफ साफ लग रहा था कि जो लोग बैठे हैं वहां पे वो अंकिता के लिए अच्छा ही बोलने आए थे, उसकी व्हाइट वॉशिंग करने आए थे, और अंकिता को भी बीच बीच में बोल कूद कूद के अपनी सफाइयां और करनी थी. एंड दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट ओके. एंड चलो मुनव्वर के ऊपर आते हैं. मुनव्वर ने अपने क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस के आंसर करे. जो जो उसको पूछा गया उसने बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं बोला. बट आई हैव टू से कि जब के वो जब मनारा बोल रही थी, उसके जब वो अपना आंसर दे रही थी एक पॉइंट पे, वहां बैठ के वो मुंह बना रहा था, कर रहा था, क्या ये ठीक है? आप किसी के आंसर्स अंडरमाइन कर सकते हैं बोल के, पर पीछे मुंह मुंह करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत है. इट्स एक्चुअली टेरेबल. दैट्स अगेन वेरी रूड. अगर मुनव्वर के लिए ऐसा कोई करता तो इतना आउटरेज होता? अगेन सिलेक्टिव आउटरेज. नैनदीप ऑफ कोर्स, मन्ना आप रिस्पेक्टेबल गर्ल नहीं हो. आपने कभी किसी की लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करी है. आप विक्टिम बनते हो पर विक्टिमाइज दूसरों को करते हो. पर नैनदीप, मैं तो आपको ये भी बोल सकता हूँ, ये सारी चीजें तो लागू आपके अंकिता के भी ऊपर होती हैं. अगर आप दूसरे चश्मा उठा कर पहनेंगे तो आपको अंकिता के लिए भी यही चीजें लगेंगी, क्योंकि अंकिता का दोस्त कौन है घर के अंदर? मुनव्वर तो उसका दोस्त नहीं है, बनावटी दोस्त तो कहीं भी बन सकते हैं ना. वैसे तो मनारा का भी दोस्त है फिर ना, वैसा. रिस्पेक्टेबल गर्ल, अच्छी फैमिली से आप कहती हो पर आप किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करती. तो जितनी चीजें अंकिता ने मनारा के लिए बोली हैं, क्या उसने एक लड़की की रिस्पेक्ट रखी है? जिस तरीके से पहले वो दुहाइयां मचाती थी कि लड़की की इज्जत की ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब जब वो चीजें वो कर रही हैं तो अब उसको आउटरेज क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन. मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि मनारा गलत है पर अंकिता भी उतनी ही गलत है, दोनों ही गलत है. यहां पे कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है. तुम्हें एक सेकंड के लिए ये मत तब सोचो कि मैं कह रहा हूं कि मनारा अच्छी है और अंकिता बुरी है. मैं बोल रहा हूं अगर उसने गलतियां की हैं, अगर मुनव्वर एक इंसान है, एक सेलिब्रिटी है, और गलती तो इंसान से ही होती है, तो फिर मुनव्वर का वो पॉइंट मनारा के ऊपर क्यों नहीं लग रहा? अगर वो पॉइंट है तो राइट. तो मतलब यू नो, यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट्स कैसे लग सकते हैं? दे शुड, सबके ऊपर सेम लागू होना चाहिए ना. मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम है. इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट फेयर. ये फेयर नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर आप सब अपना वो निकालो. एंड ऐसा ही हो रहा है. अभी हम देखेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है, द बॉयज बैठे हैं, अभिषेक वुमन बीटर. तो ये मैंने नहीं बोला है, ये प्रेस वालों ने बोला है. अभिषेक वुमन बीटर, मुनव्वर वुमन चीटर. अगेन ये प्रेस वालों ने बोला है, मैंने नहीं बोला है. और फिर वहां पे रेड फ्लैग पति विकी, ये तीनों मिलके बातें कर रहे हैं मनारा की, कि मनारा कितनी गलत है कि उसने विकी को अपना जो कुर्ता टाइट है या लूज है पूछा, जो उसका दोस्त है, वो कितनी गलत है. ये तो सवाल ही गलत है जो अभिषेक पूछ रहा है. तो अगर हम सीजन को देखें, कितने कितनी चीजें अभिषेक आपने बोली हैं जो गलत हैं. आई थिंक अगर हम गिनना शुरू कर दें, पूरा हफ्ता शायद लग जाएगा आपकी गलतियां यहाँ पे एक लिस्ट बनाने में. तो आप तो चुप ही रहें. इनफैक्ट मैं बहुत खुश था आज जब अभिषेक को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपने मुनव्वर के लिए वो सारी चीजें बोली थी कि भाई तू ठीक है, आयशा तो गलत है, ये लड़कियां, ये तो होता ही है, वो सारी जो चीजें आपने मिसोजिनिस्टिक वे में बोला था, आज आप उनको इनकार क्यों रहे हैं? आप अब सिर्फ बोल रहे हैं मैंने तो सिर्फ उसको बोला था उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उससे निकालने के लिए. पर पॉइंट तो यही है ना कि आपने नीच चीजें बोली हैं औरतों के लिए, और सारी अवाम में जो औरतें हैं जो जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया, पर आपने एक वुमन चीटर को सपोर्ट किया, वो ठीक था. पर यहाँ पे किसी ने किसी को पूछ लिया कि मेरा कुर्ता लूज है या टाइट है, वो बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो पूछने की बात ही नहीं है. और विकी जैन कितना बड़ा झूठा है,
गाइस, अगर अगर आप देखो और समझो कि जबकि वो क्वेश्चन प्रेस वालों ने पूछा था, वहां पे डेफिनेटली तालियां बजाऊंगा कि डेफिनेटली जो प्रेस ने करारी करारी बातें मनारा के लिए, अंकिता के लिए तो नहीं पर विकी के लिए ज्यादा, विकी को तो पता नहीं कैसा इन्होंने डिमीन करा है पियर्स ने कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, बट अगेन बट ही डिजर्व्स इट क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि आज भी जब वो पूछा गया था कि जब आप जब मनारा ने आपको कुर्ते के बारे में पूछा था, आपने बोला था सेक्सी लगेगा, तो वहां पे अंकिता तो चहक गई थी और वहां पे फिर विकी ने फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया। विकी ने सेक्सी बोला था मनारा को और वहां पे आपने बोला था, तो यहां पे आप इंकार क्यों हैं, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। तो माय पॉइंट इज जस्ट दिस गाइस कि विकी ने फिर बॉयज को भी वही बोला ना कि मैंने तो ऐसा नहीं, मैं तो अच्छा बोला था, मैंने अच्छा कुछ सेक्सी नहीं बोला। एक्सक्यूज मी, यू आर सच अ लायर, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं विकी जैन आपके ऊपर जब आप नेशनल टेलीविजन पे वो चीज बोल के भी झूठ बोल रहे हो। इट्स वेरी वेरी सैड एक्चुअली। लेट मी सी इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चंस दैट आई नीड टू गेट आउट। ये ई टाइम्स का क्वेश्चन था, आप रिश्ते जो हल्के में रखते हैं, लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो भी है, आई मीन हार्ड क्वेश्चंस, दे वर हार्ड क्वेश्चंस आई हैव टू से। हाँ, तो रंज ने जो इंडिया फोरम से पूछा था कि विकी अंकिता को हमेशा बोलता था घर जाना है घर जाना, क्या आपके घर वाले नहीं है, क्या आपको घर नहीं जाना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक एक और रिपोर्टर ने ये भी पूछा था कि विकी हर बार अंकिता ही सॉरी क्यों बोलती है और आप उसको सॉरी क्यों कहलवाते हो, तो वहां पर भी मुझे सही लगा। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, दीज वर एब्सोल्युटली बैंग ऑन थिंग्स। तो ये क्वेश्चन एक मुनव्वर का था कि टनल छोड़ के आऊंगा, क्या आप अपने फैंस के लिए बोल रहे हो, क्या आप घर वालों के लिए बोल रहे हो, तो वो तो चलो ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में आ गया। पर एक और क्वेश्चन था जो मेरे मन में रह गया था कि आपने अपने फैंस के साथ झूठ बोला, अगर आप कहते हैं कि आपके फैंस आपको 4 साल से जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपने भी तो झूठ बोला ना अपने फैंस को और ऑडियंस को, जबकि आपने ये सारी अपने जो रिश्ते की बात करी थी नज़ीला के बारे में कि उसने मेरे टी शर्ट भेजे हैं, वो सारी चीज़ें आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, पर आपने बहुत अच्छी तरह से पर्दा रख लिया, क्योंकि अगेन अल्फाजों के जो खेल होते हैं इनसे ज़्यादा तो कोई ना खेले। तो ये बात भी जो पूछी थी कि क्या आपकी लव लाइफ आपको फेलियर बनाएगी, और वहाँ पे आई थिंक मुनव्वर का आंसर काफी सही था कि मेरी लव लाइफ नहीं, पर मैंने करा है वो सारी चीजें, सो दैट वाज वेरी गुड आंसर। और जिस तरीके से उसने बोला कि हाँ बाय गॉड मैं ही जीतूंगा, तो आई थिंक कीपिंग दैट गोइंग दैट वाज एक्चुअली गुड। मैं मुनव्वर को वहां पे अप्रिशिएट कर सकता हूँ क्योंकि इतने मुश्किल सवालों से भी फिर भी ही सेइंग आई एम गोना बी द विनर एंड दैट इज अ विनर क्वालिटी। बट is a woman cheetah a woman quality? It's up, I mean, I'm asking, main pooch raha hu, main ab statement nahi bana raha hu. Instant Bollywood, why stop? Haan, ye to ho gaya hai. Anyway, to at the end of the episode mujhe sirf ye laga hai ki guys, agar dekha jaye jo directly Manara ko assassinate kar raha hai, bahut sari, in fact ek point pe aisi cheez bol di thi के मनारा को के क्या था वो, इनफैक्ट बिग बॉस ने आके रोक दिया था कि मनारा आपको गलत सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, जबकि वो गलती है जो चीज गरीबी की बात जो हो रही थी। हाँ, तो आपने गरीबी का उछाला कि आपने किसी की गरीबी के लिए आपने मजाक उड़ाया, और वो मनारा ने नहीं समर्थ ने करा था वो स्टेटमेंट, और इस वजह से वहां से भी कहीं ना कहीं वो भी मनारा के सर के ऊपर थोप रहे थे। एंड मनारा ने साफ साफ बोला था कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं भाई। एंड तो यहां से आपको पता चलता है कि लोगों के ऑलरेडी जो प्री बायस्ड होते हैं वो ही लेके आए हैं, और प्रेस यहां से डेफिनेटली अंकिता के लिए बायस थे। यू कुड सी दैट यहां पे अंकिता की ऐसी धुलाई हुई है, इतनी वाइट सफेदी की धुलाई हुई है कि वो तो संतनी है, वो तो कुछ उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है।
Anyway, let's bring in Sanj right now. Sanj, welcome. Sanj, aaj, I've got some super chats to do before we go to the next bit. Ashwin Murthy, thank you for the super chat. Hi, Andy and the Chugli Gang. Chugli Gang to abhi join karini hai. Let's see if they do join. Don the Savior, welcome back. Thank you for the super chat. The word bhaiya, these people have turned it so dirty. Exactly. She calls him bhaiya and they are saying she wants him. Stay strong, Manara. Love your review. Thank you so much. Now, the thing is, again, main yahan pe bolunga, wo Vicky bhaiya kitni बार भी बोले एंड मनारा का कभी भी विकी के लिए वैसा कुछ था ही नहीं, वो कभी से नहीं दिख रहा कि ऐसा है। वो अंकिता का मन में मैल था और वो और अंकिता और उसके हस्बैंड के बीच में जो खिटपिट है वो मनारा के सर के ऊपर थोपी गई है एंड दैट्स गलत। I agree with that. Swati Dhillon, thank you for the super sticker. Appreciate it. Tejaswini Bora, thank you so much for the super chat. I believe Ankita agreed to join Big Boss only after requesting Weakling Silent Services image correction provisions. I think so also. I agree with you, Tejaswini. Aap bilkul sahi ho sakti ho. Isme koi bhi wo nahi hai. Oh, welcome. Tejaswini Bora becomes our newest member. Thank you so much. That's so amazing. Hearts to you and woohoo! Thank you so much for being the latest member. Okay, let's continue with the Sanj's review. Sanj, what did you think of today's episode? Hi Andy. पहले तो ये मैं सुपर चैट से पता नहीं हमजा की लैंग्वेज में 1000% एग्री करता हूँ कि अंकिता की तरफ से ये पेड मीडिया आया हुआ था और वो दिख रहा था क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन हो रहे थे एंड खासकर जब अंकिता जवाब दे रही थी उसको काउंटर नहीं किया जा रहा था जैसे बाकियों को किया जा रहा था। अगर कोई अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन भी दे रहा था ना तो उसको करेक्ट किया जा रहा नहीं 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 ऐसे नहीं आपने ये किया था ऐसे हुआ था तब वहां ऐसे हुआ था पर जब जब अंकिता बोल रही थी तो उससे कुछ नहीं पूछा गया। उसने अगर बोला ना मैं नहीं गलत ये गलत था सिचुएशन में तो वो क्वेश्चन उधर शिफ्ट कर दिया जाता वो फील हुआ। ओके तो मुझे रिव्यू में एंडी पहले ये बोलना है कि यस आज ना लोगों ने भर भर के झूठ बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब जब जिस जिसने बोला ना उन्होंने अपनी साइड सबने दिखाई है कि कौन किसने कितना झूठ बोला है। पर अभी क्या था ये जो खासकर ये जो 25-30 रिपोर्टर आए हुए थे ना मुझे तो इनको लेके ये बोलना जो भी नेक्स्ट सीजन बिग बॉस के घर में जाएगा ना ये 25-30 को पहले से कॉन्टेक्ट कर लो क्योंकि अगर आप इन लोगों के उसमें आ जाओगे तो ये आपकी इमेज बाहर भी अच्छी बना के रखेंगे और अंदर आने पे भी होंगी। एंड एंडी आपने एक ना नयनदीप जो भी है उसका रिपोर्टर का नाम आपने क्वेश्चन किया मैं भी उसी से करूंगा मुझे बाकी से नहीं करना क्योंकि उसने टाइम टू टाइम क्लेम किया है कि ये मेरा रिलेशन है इसके साथ अंकिता तो वो चीज वो क्या कर रहा था मैंने तो बहुत अच्छे से नोटिस किया जब जब अंकिता से या मनारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना वो पीछे मुड़ मुड़ के रिपोर्टर के साथ बहस कर रहा था और वो फुटेज में दिख रहा है मेकर्स दिखा भी रहे हैं कि वो पीछे मुड़ के वो नहीं ऐसे हुआ था तो वो साफ दिख रहा है तो मुझे वहां पे ये लगा कि इतना वो क्यों करना है। एंड उसने आई कॉन्टेक्ट करके अंकिता को भी कुछ बोला था देन अंकिता ने भी हाँ में हाँ मिलाया तो वो साफ दिख रहा था कि उसको फेवर किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत लोग जो उनके अंधभक्त फैन आते हैं वो ये चीजें नहीं देखेंगे कि बिग बॉस उनको कितना फेवर करते पर उनको दूसरों को फिक्स्ड विनर बोलना बहुत इजी हो जाता है कि ये फिक्स्ड विनर है वो फिक्स्ड विनर है पर जो ये सामने से ऐसे परोस के उसकी इमेज की वाइट वॉश की जा रही है वो नहीं दिखेगी लोगों को। उसके बाद मुझे एंडी बोलना मनारा को लेके पहले मैं शुरू मनारा से करूंगा क्योंकि मनारा ने भी झूठ बोले हैं जहां जहां पे उसने बोला कि आई डोंट रिमेम्बर ऐसा मैंने कुछ बोला था या मैंने किया था नहीं आपने भी बहुत ऐसी चीजें बोली थी जब आप कह रहे हो कि मुझे अब वो याद नहीं वो आपको सब याद है। बात ये है कि मनारा आपको उस टाइम पे ये चाहिए था ना कि बस मुनव्वर किसी तरीके मेरी साइड हो जाए या मुनव्वर की लाइफ के साथ मैं जुड़ जाऊं मैं गलत रिलेशनशिप के से नहीं बोल रहा नजरिए से एक जस्ट फ्रेंडशिप वाले एंगल से अब उसमें मैं हर चीज मानने को तैयार हूं पर गेम नहीं थी जो मीडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गेम में आगे बढ़ने के लिए कर रही थी नहीं वो गेम वाला पॉइंट नहीं था वो बस ये चाहती थी कि इस इंसान पे मेरा कंट्रोल हो जो कि मुझे उसका ये ट्रेट अच्छा नहीं लगता और उसने ये कोशिश की थी और उसके बीच में जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे गए ना मनारा ने सारे झूठ बोले थे। उसके बाद मुझे बोलना है मुनव्वर को लेके मुनव्वर जो आप बीच में कर रहे थे ना मनारा के बोलने पे जिस तरीके से आप डांस कर रहे थे हरकतें कर रहे थे आई थिंक आप शायद भूल गए दो हफ्ते हुए हाँ जब तक आयशा थी आपसे ये सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो आप भीगी बिल्ली बन के कोरना पकड़ के बैठे हुए थे तो आपसे कुछ बोला भी नहीं जाता था यही क्वेश्चन तब भी होते थे यही मना रहा थे जब जब उसने तुमसे यही क्वेश्चन किए थे तब आपके पास आंसर नहीं था तो आप कहते थे हाँ ठीक है मैं गलत हूँ तो मैं क्या बोलूं। अब आयशा चलेगी आपको पता है कि आयशा के होते हुए तो मैं एक्सपोज हो जाता अगर ये बातें और निकलती
पर आज आपने वो मनारा के साथ जिस तरीके से बिहेव किया ना, तो मुझे आज ऐसा फील हुआ कि जो मनारा तुम्हारे साथ उस टाइम पे कर रही थी ना, वो सही था। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा था कि मुनव्वर इतना रिएक्शन दे नहीं रहा, इसके साथ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम गलत हो, तुम्हारे रिलेशन जितने भी इसके साथ नहीं है, पर मनारा को ना इतना नहीं उसके ऊपर जाना चाहिए। पर आज वो तो ऐसा लग रहा था मुनव्वर जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया, कितना खुश है कि मनारा की हर बात को वो करेक्ट कर रहा था। और इवन कि अंकिता और मनारा वाले टॉपिक में भी वो अंकिता के साथ था, मनारा को गलत बोल रहा था, जबकि वहां पे तो मनारा ने तुम्हारा साथ दिया था मुनव्वर। तो इतना एटलीस्ट समझो इस चीजों को लेके। उसके बाद मुझे बोलना है कि अभिषेक से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, जर्नलाइज नहीं करना चाहिए। मैं भी अंडे उससे बहुत चीज मतलब उस क्वेश्चन से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये मैंने बार बार टाइम टू टाइम बोला है, आपको कभी कोई पसंद नहीं होता ना, या कोई भी चीज होती है उसको जर्नलाइज मत करो कि ये सारे ऐसे होते हैं, ये होता है, या ये नॉर्मल है। नॉर्मल हाँ होता है, पर साथ में ये बोलो कि ये सही चीज नहीं है, और ये उस लेवल का नॉर्मल नहीं है जो हम जर्नलाइज करने के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब हो गया है, अब उस चीज को जाने दो जो मेकर्स ने भी किया है। और सलमान खान ने भी ये सेम चीज मुनव्वर को बोली थी कि अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। पर अगर अब ये कह रहे थे ना, ये तो चलता है, सभी के साथ होता है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, तू आगे बढ़, हो गया, ये लड़कियां ही थी, तो वहां पे वो चीज गलत होती है। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि अभिषेक को उस टाइम पे उन्होंने करेक्ट किया कि ठीक है। और ये चीज हाँ, एक ये भी चीज थी, यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर को ये भी बोलना चाहिए था कि अभिषेक ने ये बात बोली थी कि आई नो मुनव्वर गलत है, पर मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो उनको ये क्वेश्चन उस तरीके से रखना चाहिए था कि तुम्हें पता था मुनव्वर गलत है, बस तुम्हें उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उल्टा तुम्हें ये कहना चाहिए था, नहीं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, वो चाहे उसने मेरे बैड फेस में मेरा साथ दिया होगा, पर ये मुनव्वर ने बहुत गलत चीजें की है, इस टाइम पे मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, बस उसकी बातें सुन लूंगा, जो भी व्हाटएवर, ये करूंगा। उसके बाद मुझे बोला आंटी, अंकिता को लेके उन्होंने आज पूरा जितना भी ये हुआ ना, हम खासकर ये 2 वीक से जो चलता आ रहा है ना, मनारा ऐसी है, मनारा वैसी है, मनारा की वजह, और पति मेरा ऐसा है, वुमनाइजर, बाहर तू ऐसा दिख रहा होगा, उसने उस चीज से पल्ला ही झाड़ दिया। शी सेड कि नहीं, मेरे को तो पता है इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था, वो आई एम डैम श्योर वो उसको भैया कहती है। अगर आपको ये पता था भैया कहती थी, तो आप थोड़े दिन पहले विक्की को क्यों पूछ रहे थे ये क्वेश्चन कि भी अगर तेरे बीच में उसके साथ कुछ ऐसा है तो तू बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आई विल एक्सेप्ट इट एंड मैं आपकी तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाऊंगी। ये तुम्हारे क्वेश्चन थे विक्की को। फिर अगर यही किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया होता तो फिर अंकिता ने बोला था आई डोंट रिमेम्बर, शायद वो निकल गया होगा, मैं मीन नहीं करती हूँ। हर जवाब उसका एंड इसी चीज से रिलेटेड था, या मुझे याद नहीं होता, या मैं उस चीज को मीन नहीं करती थी, बस वो निकल गया। तो बाकियों के भी तो जवाब फिर ऐसे ही होंगे ना, फिर निकल गए होंगे, मीन तो कोई भी नहीं कर रहा। अगर अंकिता के तरीके से सबको जवाब देना है तो सब भी ये दे देते, पर उनको तो हर चीज जो उन्होंने 2 हफ्ते से क्रिएट की कि यहाँ ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, मेरा पति वैसा, मैं बहुत दुखियारी हूँ, आज उन्होंने बोला नहीं, मेरा पति मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, और इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा था, वो बस लग रहा होगा, एंड वो कोई चीज नहीं। तो मुझे वहां पे बहुत मतलब ऐसा लगा कि यार आपने 2 हफ्ते से हमारी जान खाई है। उसके बाद से एंडी मुझे बाकियों की सॉरी पे इसके ऊपर आना है, खासकर विक्की को लेके मुझे बुरा इसलिए फील हुआ, वो भी ना वो मीडिया का शिकार काइंड ऑफ होता है ना, जो बन गया कि यार इतने लोग मुझे गलत बोल रहे हैं तो शायद मैं ही गलत होऊंगा। यस विक्की आप गलत हो, पर अंकिता ज्यादा गलत है। मीडिया ने आपको यहाँ पे जो चीज नहीं दिखाने की कोशिश की, उनको पता था भी हमारी बहू या जो भी उसने की होगी डील, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो चीजें मेरे को मतलब प्रूफ नहीं होता ना उसमें, उतना मैं क्लेम नहीं करता, पर वो लग रहा था, तो मैं उस पर उतनी बात बोलूंगा। मीडिया ने इतनी कोशिश कर दी कि विक्की जितनी भी तुम्हारी लड़ाइयां है ना अंकिता के साथ, उसमें सिर्फ तुम गलत हो। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप कल को नहीं बचता ना, तो सिर्फ इसमें विक्की जिम्मेवार है। एंड विक्की को क्या करना पड़ा, उठकर अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगनी पड़ी। एंड वहां से अंकिता हो गई खुश, उसको लगा ले भाई ये तो यही तो चाहती थी मैं कि दुनिया भर में देखेगी मैं सही हूँ, मेरा पति ही गलत है, जो मैंने इतने टाइम से एक नैरेटिव सेट किया था। और नैरेटिव के ऊपर बात करना है, ये नैरेटिव चलाने वाली कौन थी, अंकिता थी ना। देन शी सेड कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से बात निकली है। अरे कहाँ से क्या निकली, तुमने शुरू की है, कोई और थोड़ी आके ये चीज बोल के गया था कि मनवर और इनके चीज में, जहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि मनारा ने बोला था कि ये जैसे विक्की भैया मेरे साथ बात करते हैं ऐसे वो ईशा के साथ भी करते, तो पर मेरा नाम क्यों ऐसे जोड़ा जा रहा है। डेंजी सेट के ऐसा मैंने नहीं किया, पता नहीं कहाँ से निकली होगी, तुम दिख ऐसे रहे होगे। नहीं, कोई नहीं दिख रहा था आज तक, अभी भी, चाहे लोग अंकिता को पसंद करते हैं, अंकिता को नहीं पसंद करते, कोई भी नहीं बोलेगा कि वे विक्की और मनारा का कुछ चल रहा था।
एक सिंगल पर्सन नहीं बोलेगा अंटिल अनलेस किसी ने अंधभक्ति करनी है अंकिता की तरह से, तो वो बोल देंगे कि हाँ वो हो रहा है, अदरवाइज हम सबको पता है। एंड एक चीज एंडी से और मुझे एक बोलनी है, अगर आपका पति गलत है, आपको लगता है कि आपका पति गलत जा रहा है या वो मनारा के साथ बात कर रहा है, उसमें मनारा की क्या गलती थी? आप कहते हैं ना मनारा वहां पे छेड़ रही थी, तो क्या आपको अपने रिश्ते पे इतना ट्रस्ट है कि अगर मनारा के छेड़ने पे आपका अपना रिश्ते से ही ट्रस्ट उड़ जाएगा कि भाई अगर मनारा मुझे छेड़ रही है तो चल विक्की मेरा तेरा रिश्ता खत्म, हम ब्रेक लेते हैं, मैं तेरी जिंदगी से जा रही हूँ, मुझे नहीं है, या तू देख ले तेरे को उसके साथ रहना है, क्या क्या वर्ड नहीं उसने विक्की को लेके बोले? क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मनारा छेड़ रही थी, या तो आप बहुत कमजोर हो या आपको एक नैरेटिव सेट करना था, दोनों में से एक चीज तो हो ना अंकिता। तो जितना झूठ आज अंकिता ने बोला, और मुझे इसलिए अंकिता को लेकर मैं ज्यादा आज बोलूंगा, यूजली तो मुझे वो इतने दिनों से बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इसलिए आज तो और बोलूंगा। प्रेस का काम था क्वेश्चन पूछना सबसे हर तरह से, पर किसी ने भी उनके रिश्ते को लेके इतना ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछा कि अंकिता जो तुमने ये नैरेटिव सेट किया ना मनारा वाला, वो तुम्हारी साइड से है। मैं अभी भी एंटी जी चीज क्वेश्चन में किसी भी फैन कोई भी, मैंने आज तक एक चीज नहीं पढ़ी है जहां पे लोग मनारा को ब्लेम करते हो कि हाँ मनारा और विक्की का कुछ चल रहा है और अंकिता बिना बात के ऐसे वो मतलब नहीं कर रही है। ये सबको पता वो गेम के लिए आपने किया, तो उस वजह से मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एंड मनोवर ने जो आज किया वो भी मुझे एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया बस। It's interesting. Definitely, there's a lot of similarities today, I think, हमारे रिव्यू में, क्योंकि मुझे मुझे प्रॉब्लम पता क्या है, इनक्वालिटी से प्रॉब्लम है। मैं ये तो कहूंगा ही नहीं कि मनारा कहीं पे गलत नहीं थी, उसने गलतियां नहीं की है। इनफैक्ट अगर देखा जाए आज जो उसने ये भी बोला था कि जहां पे मैं गलत थी उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ, पर जहां से मुझे नहीं याद तो मुझे नहीं याद। और एक पॉइंट तो उन्होंने उसके ऊपर थोपी दिया था जो उसका था ही नहीं, जो समर्थ का था, गरीबी वाला कमेंट, तो वहां पे बिग बॉस ने ही आकर इंटरवीन करके रोकना पड़ा क्योंकि वो गलत जा रहे थे प्रेस वाले। सो इट्स नॉट के जैसे कहते हैं ना, जैसे मुनव्वर कहता है कि हम संत नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो भाई मनारा भी इंसान ही है। सो माई प्रॉब्लम इज दिस, माई प्रॉब्लम इज नॉट कि वो गलत नहीं है, माई प्रॉब्लम इज कि उसको ज्यादा गलत बोला जाता है जबकि सबने ही उतनी सारी गलतियां की हुई हैं। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, नॉट एट ऑल। एंड देखो मैं बोलने वाला हूं, अगर किसी को पता है नहीं पता है, मुझे एटलीस्ट आई थिंक 3-4 घंटे पहले मुझे एक मैसेज आया था कि विकी जैन मिड वीक एलिमिनेशन उनका हो चुका है। अब जिससे मुझे मैसेज आया था, मुझे उनको फिर से पूछा कि भाई तू सही बोल रहा है या फिर ऐसे लग रहा है, तो मुझे वहां से कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, पर अभी 3-4 सोर्सेस से वो सेम खबर अभी आ रही है। ट्विटर पर भी आई थिंक 3-4 सोर्सेस से भी हो चुका है ऐलान, तो आई थिंक इट कुड बी ट्रू, बट आई एम नॉट 100%। दैट इज व्हाट आई एम गोना से, मैं अभी भी 100%, जो मेरा मेन सॉस है जो हमेशा 100% खबर होता है वो अभी तक श्योर नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम लाइक आई एम नॉट श्योर। जब तक वो नहीं बोलेंगे आई वोंट टेक इट एज इज, बट सेइंग दैट आई थिंक जहां पे अभी मैं रह रहा हूँ मुंबई में, आई एम अबाउट 2 घंटे का रास्ता है अगर जाना पड़ेगा फिल्म सिटी, तो आई कैन गो एंड फाइंड आउट इफ कौन निकला कौन निकला कौन निकला। हाँ आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना डू दैट गाइस। एनीवे सो लेट्स वेलकम हमजा, आर यू देयर? यस एंड सर, तो मुझे आपसे ये पूछना है हमजा, क्या आपको लगता है कि हमारे 300 लाइक्स हो चुके होंगे इतने शॉर्ट वाइल में? यस मुझे लगता है आपको लगता है, पर आप आपको नहीं लग सकते कि 216 हुए हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब 84 चाहिए और आप फिर बात कर पाएंगे। आप बताओ, इट्स अमेजिंग जस्ट दैट। अभी देखो हमारे बहुत अच्छी तरह से बहुत तेज रफ्तार से लाइक्स बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग गाइस, पर 300 लाइक्स तो हमारा मिनिमम होता है जब से हमने ये सेट किया कि हमजा नहीं बोल सकता 300 लाइक्स से पहले। अब 45 लाइक्स बाकी है भाई, 45 लाइक्स में करा दो फिर हम जल्दी से हमजा का बमजा शुरू कर लेंगे। वाओ गाइस आप तो बहुत अच्छी तरह से लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। 274 हो चुके हैं, वी हैव 26 लाइक्स लेफ्ट, लेट्स डू द 26 लाइक्स एंड गेट ऑन विद इट। एंड अगर आप लाइक कर ही रहे हो तो 284 हो गया, दैट्स 16 लाइक्स। एंड अगर आप 16 लाइक्स में कर सकते हो तो शायद आप सेम टाइम पे
मेंबर भी बन जाओ, यानी क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी कर लो. सो यू नो यू कैन डू दैट एट द सेम टाइम एंड सपोर्ट द चैनल. वी रियली वांट टू मेक सम मोर शोज फॉर यू. बिग बॉस के बाद भी हम करते रहेंगे काम, एंड वी विल कम बैक विद सम मोर स्टफ फॉर यू सो दैट यू कैन कीप वॉचिंग द चैनल एंड वी विल हैव समथिंग फॉर यू एवरी डे. डोंट वरी. ओके, 306 हो गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. एंड हमजा, वाओ, लेट्स स्टार्ट द बमजा. एंडी सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी हो गए. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू दिल की अतात गहराइयों से. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद मैं शुरू करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि अंकिता ना बहुत पावरफुल है. आई थिंक कहा जाता है कि विकी जैन बहुत पावरफुल है. नहीं, अंकिता की पीआर, अंकिता का वो जो भी बाहर सिस्टम है वो इतना पावरफुल है. उन्होंने इतने पैसे खिलवाए कि सारी की सारी मीडिया के लिए अंकिता तो विक्टिम थी. मैं हैरान था जो विकी जैन की कल हम गेम की यहाँ पर मिसालें कायम कर रहे थे, मैं और पोलोमी, हमारी एक डिबेट भी हुई. उस गेम को छोड़कर सिर्फ गंदा पति, घटिया पति, बिल्कुल बेकार पति, फिटे मुंह पति, चपेड़ खाने वाला पति, मार खाने वाला पति, डूब के मरने वाला पति, ये वाले टैग चल रहे थे. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं हैरान था कि किसी रंग में हमारी अंकिता नहीं थी भाई गलत. हर रंग देखो, हर रंग में विकी ही गलत. तो मेरे ख्याल में उसके गले में एक चपटी डालें बिल्कुल बेकार पति के नाम की, और वो उसको दे दो गिफ्ट, उसको तोहफा करो. मुझे मीडिया से ये नहीं समझ आया. मीडिया, आपको सिर्फ यही समझ, एक क्वेश्चन नजर आया था विकी से पूछने का, आप अपनी वाइफ को इन्वेस्टमेंट बोलते हो, आप अपनी वाइफ को ये बोलते हो, वो बोलते हो, जो उसकी वाइफ बोलती है, जितना हार्श उसकी वाइफ चले गई, उसके ऊपर तो कुछ इतने क्वेश्चन ही नहीं थे. आज तो उसको घुटनों तक ले आया, उसने कहा ये लो पकड़ो भाई, ये लो, मैं घुटनों पे आ गया हूँ, और क्या चाहते हो. फिर भी क्वेश्चन थे, फिर भी उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे. उसने कहा ठीक है, मैं मान गया, मैं हूं गंदा पति. मुझे ये नहीं समझ आता इस मीडिया का कि ये जो उसकी उसने गेम खेली है, जो वो शाइन किया है, जिसकी वजह से अंकिता के पीआर को क्या कहते हैं टटियां लग गई थी, और उन्होंने फटाफट टेम्पल भेजने शुरू कर दिए थे कि अंकिता को और शाइन करवाना है, विकी की मम्मी के ऊपर भी चलाओ, विकी के ऊपर भी चलाओ कंपेने, ताकि हमारी अंकिता अच्छी लगे. आपको कहीं भी उसकी गेम इतनी नहीं लगी कि आप एक नए थे, आप इस इंडस्ट्री को नहीं जानते थे, आप आए, आपने शाइन किया, आपने अच्छी गेम खेली, कुछ इस रिलेटेड क्वेश्चन थे ही नहीं. सारे के सारे क्वेश्चन थे अंकिता के रिलेटेड. अंकिता थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. जो क्वेश्चन था वो अंकिता से रिलेटेड ही था. तो मुझे ये बड़ा अनफेयर लगा. दूसरा, मुझे जो एक और क्वेश्चन था जो उन्होंने अभिषेक और मुनव्वर को कहा कि एक वुमेन चीटर और एक वुमेन आई थिंक बीटर, आपको नहीं लगता कि आप डिजर्व नहीं करते यहाँ पर रहना. मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई कि एक बंदा आप टॉप टू से पूछ रहे हो या ऐसे बंदे से जो बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे, क्यों वो बोलेगा, वो गधा ही बोलेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं डिजर्व करता. वो अपने मुंह से ये चीज क्यों बोलेंगे. ये तो बिग बॉस से पूछो ना, जिसकी वजह से तुम वहां पे गए हो. उसकी एंट्री बिग बॉस ने करवाई है, उसने खुद नहीं की. जब तक बिग बॉस ने अप्रूवल नहीं दिया था वो वहां जा नहीं सकता था. बिग बॉस ने अप्रूवल दिया तो वहां पे पहुंचा. और दूसरी बात रही कंट्रीब्यूशन की, चाहे आप कुछ भी बोल लो, उसका कंट्रीब्यूशन है भाई अभिषेक का. अरुण को रखो और अभिषेक को रखो, आपको खुद ही एक डिफरेंस नजर आ जाएगा. थप्पड़ मारना गलत था, फिजिकल वॉयलेंस था, सबने बोला. तो मुझे ये नहीं समझ आया कि एक आप मुनव्वर को और उसकी चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हो कि जो वुमेन बीटर वाला आपने वो एक बोला ना, मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अभी वहां पे कंफर्म नहीं हुआ, वहां पर कोई मोर नहीं लगी कि ये सच्चाई थी. दोनों तरफ से चीजें निकलती थी, ईशा भी कभी बैक स्टेप ले लेती थी, अभी भी कभी बैक स्टेप ले लेता था, तो दोनों लेते थे. कंफर्मेशन किसी तरह की सबसे बातवे. अरे बाप रे, डर लग रहा है. 100 दिन साथ में बिता दिए हमने. मैंने पहले ही दिन कहा था कि जो मेरे शो के लिए अच्छा होगा मैं उसकी तरह. एंडी, यू आर नॉट म्यूट. I'm not on mute. I'm just not talking. Hi. Sorry. I started watching the promo thinking, you know, he will talk, but he's not talking. Thank you. Thank you for shutting up. It's when I didn't need that. Anyway, Dashaimi, if you want to join, देखो मैंने लिंक शेयर करा है, मैंने पिन भी करके रखा है. अगर आपको अपना रिव्यू देना है हमारे साथ आज के लिए तो आप आ सकते हैं. You're more than welcome, but you have to put your camera on. Camera on करना बहुत जरूरी है, and we only let you on if you have your camera on. So Dashaimi, I don't see your camera on. As soon as your camera comes on, I'll let you enter.
हमजा का अगर आप पूछें, उसका इंटरनेट का कनेक्शन हमेशा रहता है प्रॉब्लमैटिक फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स व्हाई ही डजंट कम विदाउट हिज कैमरा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद लीना. लीना, व्हाट आर योर कमेंट्स? अच्छा, बिफोर दैट लेट मी जस्ट गेट सम मोर सुपर चैट्स इन. सैप्स, थैंक यू फॉर द सुपर स्टिकर, सुपर अप्रिशिएटेड. Swati Dhiran, thank you again for the super sticker. Really appreciate you guys supporting the channel. Saps again, thank you for the super chat. Everyone has been whitewashed, including Manara. So why this one-sided review? BB has supported Manara like no one else. Never called her out. I agree with you. Again, मैं फिर से बोलूँगा, मैंने Manara के लिए ऐसा नहीं बोला कि Manara ने कभी कुछ गलत नहीं किया है या Big Boss ने उसको support नहीं किया है. But मुझे आज जो आज की डेट में चलें, लेट्स गो फॉर व्हाट हैपेंड टुडे. मेरा पॉइंट सिर्फ वही है, टुडे जो हमें दिखा है, Manara को टारगेट करा गया है, मुनव्वर को टारगेट करा गया है, अभिषेक को टारगेट करा गया है, विकी को टारगेट करा गया है, अरुण को टारगेट करा गया है, पर अंकिता को नहीं टारगेट करा गया. दैट्स द प्रॉब्लम. तो लेट्स गो बाय डे. अगर हम आज की तारीख में बोलेंगे आज क्या हुआ, तो हम बार बार तो फिर पीछे जा जाके Manara की सारी खामियां निकाल के बार बार बोल सकते हैं. फिर तो हम मुनव्वर की सारी खामियां, अभिषेक की सारी खामियां, अरुण की सारी खामियां, सब की सारी खामियां निकाल निकाल के खरोच सकते हैं. Why only Manara then? My point is that सबका इक्वली करो ना. मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, जस्ट डू इट इक्वली. वॉजंट इक्वल टूडे एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. That's my only problem. अगर वो अंकिता को थोड़ा सा टारगेट करे जिस तरीके से उन्होंने सबको टारगेट किया, तो then I would not say this, ना. That is my point. यहाँ पे आज हम देख सकते थे मीडिया वाले अंकिता की तरफदारी कर रहे थे, and that's a problem. That's called biased, जो सबसे इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है ना लाइफ में. तनु भारद्वाज, थैंक यू फॉर द सुपर चैट. आज मीडिया अंकिता के मायके वाले बन के आए थे. एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. थैंक यू सो मच तनु फॉर दैट. ओके, अगेन दशमी, आपने ज्वाइन किया है बैक स्टेज पर आपका कैमरा ऑन नहीं है. आई कांट लेट यू ऑन अंटिल आई नो हु यू आर. इट्स अ सेफ्टी थिंग, डू यू अंडरस्टैंड? ओके लीना, ओह शी हैज गॉट अ कैमरा ऑन नाउ, वेल डन. सो लीना इज गोइंग नेक्स्ट एंड देन वी विल गेट दशमी ऑन आफ्टर दैट. ओके, Assalamu alaikum. Hello, good evening, everyone. It's been a while. I can see there are very frustrated people here in the panel from the crazy media event that we had today. So, Andy, main aur saath mein bhi kehna chahungi, Hamza, ki aaj ka jo tha na, mujhe laga ki aaj ka weekend ka word jo hume chahiye hota hai Salman se, wo hume kafi had tak mila. नॉट डिस्क्लोजिंग के, नॉट डिस्काउंटिंग के अंकिता की बैशिंग नहीं हुई है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था और इसी वजह से बहुत अनफेयरनेस फील हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी. तो मैं सीधे जाऊंगी मुनव्वर पे. मुनव्वर का मैं एक कहना चाहूंगी कि आज उसके एटीट्यूड कहाँ से आया इसका इतना ज्यादा वो. मे बी आप एंडी कह रहे थे कि यही विनर एटीट्यूड होता है कि बोलो कि मैं विनर बनूंगा. ठीक है, वो तो सब मुझे, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे उससे थोड़ा ज्यादा नजर आया. मुझे उसमें नजर आया दिस काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ आई हैव ऑलरेडी वन, तुम लोग क्या हो, या दिस इज माई स्पॉट, दिस इज द स्पेस आई नो, एंड मे बी इट इज ऑल दैट. लेकिन I think so. Hamza, आपका पूरा नहीं हुआ था ना? मेरा कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो मुझे लगा एंडी सर प्रोमो शेयर कर रहे हैं तो वो फिर वो हो गया. हैं? नहीं. I think what happened, Andy, you know when I said they were. मैं बताता हूँ. I was watching the promo और फिर उसके बाद silence हो गया. तो फिर silence. नहीं नहीं Andy. Andy, I was telling you you're not on mute because आपकी promo की वजह से Hamza बोल नहीं सक रहा था. मुझे पता है. Hamza, आप लेटे का. मुझे लगा कि हमजा का खत्म हो गया है और इसलिए I started again because I was expecting him to go for longer. So I have not cut him. I thought he finished. So okay, thank God that's cleared. नहीं तो यहाँ हमजा आप ले लो. Andy ने हमजा को काटा. And I'm like, I didn't know that. नहीं नहीं, वो लीना के बाद बोलने वाला था. मैं लीना दी के बाद बोलने वाला था तो अभी लीना दी आप रिव्यू कंप्लीट कर ले. अब बोलो बोलो. नहीं नहीं, आपने बोलो आप, फिर मुझे आपसे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, आप बोल लो फिर मैं बोलूंगा. अरे कितने बुरे हो, मुझे मैं आपसे पॉइंट लेने वाली थी, है ना? नहीं, सही बात है. हमजा बात, चलो वेट करो, मैं आपको बहुत पॉइंट्स देती हूँ. मुनव्वर मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लगा. एंड ऑल्सो जिस तरह वो Manara के
थोड़ा सा पीछे हट के जो मीडिया को इशारे करा था, दैट वाज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल. दैट इज वेरी रूड. आपके पर्सनल जो भी इक्वेशन हो जिस भी कंटेस्टेंट के साथ, आप इस तरह नहीं कर सकते हो. मैं ऑनेस्टली फील कर रही थी कि वो, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मैं ओन करता हूँ स्टेज, मैं इन सबको ओन करता हूँ, मुझे पता है मैं जीत रहा हूँ, दिस इज माई स्पेस, मैं नैरेटिव सेट कर रहा हूँ. एंड जिस तरह उसने हाँ, तो बस ये जो मनारा के पीछे जो बातें हुई, ये अच्छी बात नहीं है इस तरह करना. एंड उस टाइम पे मुझे मनारा के लिए बहुत काफी बुरा लग रहा था कि आई डोंट थिंक उसको कोई आइडिया थी कि इसके पीछे उसका दोस्त, सो कॉल्ड ऑन अगेन ऑफ अगेन फ्रेंड, ये कर रहा है इसके साथ. नॉट नॉट नाइस. और दूसरी बात, मुनव्वर, एंडी 100% अग्री विद यू. मुनव्वर हर चीज बातों में गोल मोल करके जवाब देता है. जब वो जवाब देता है तो हमारी शक्ल पे क्वेश्चन मार्क होता है कि हैं ये क्या बोला, मतलब समझ नहीं आ रहा होता ये जवाब था, नहीं था, क्या था, पतली गली से निकल गए आप. तो ये बातें हैं ना मुनव्वर की, मुझे एक्सट्रीमली नापसंद हैं. और इस वजह से कभी वो, बिकॉज वो जरा भी ट्रस्ट वर्दी वाइब्स नहीं देता, इसलिए कभी मेरा फेवरेट नहीं बन सकता. अंकिता क्लेयर फेवरेट थी, ऑब्वियस था फ्रॉम द प्रेस. हाँ, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं बोला, आई थिंक एक दो लोगों ने उठाने की कोशिश की, बट अंकिता खुद भी तो किसी को बात करने तो देती नहीं है. उनको हर चीज में बोलना है, चाहे क्वेश्चन उनके ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर हो, वो क्वीन अंकिता है. तो उसका उसका मसला अंकिता का मेन ही है कि वो सोल लूजर है. जो मैंने पहले भी बोला था कि टास्क में अगर वो हारती है, या वो टास्क में कोई भी चीज में, शी कांट टेक डिफीट, शी कांट टेक नॉट बीइंग नंबर वन, एंड आई एम द सो वो एक क्लासिक एक्ट्रेस नहीं होते, स्टार, द क्लासिक स्टार नार्सिसिज्म जो होती है, वो एक अंकिता पे ना, इट्स लाइक अ बिल्कुल एक सांचा है, जिस बिल्कुल यही है जो हम वो स्टार वाला इमेज देख दे सोचते हैं हॉलीवुड स्टार्स का, बॉलीवुड स्टार्स का. तो इट हैज टू बी अबाउट हर. हैविंग सेड दैट, जितना सांझ आप बोल रहे हो अंकिता के बारे में, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि अंकिता अभी भी, मुझे लगता है, बुरी नहीं है और वो झूठ नहीं बोल रही है. पता है क्यों? ये हंसी वाली बात है, हम चैट में भी बात कर रहे थे, और मैं अगर बोल सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ कि आप अग्री करो, तो मैं कहती हूँ हाँ, झूठे झूठे झूठे. एविडेंस हमारे सामने है कि जो बातें उसने की हैं उसी पे वो मुकर रही है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मुझे वाकई में लगता है कि अंकिता जो बातें बोल देती है ना गुस्से में, उसको खुद को याद नहीं रहता, उसको नहीं याद रहता, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला. अरे भाई, आपने बोला था, यू नो. एंड एंड ये बहुत ज्यादा होता है उसके साथ, एंड आई जनरली फील कि ये है. आप बोलो, काउंटर कर लो, इट्स ओके, फिर मैं बाद में दूसरे पॉइंट पे चली जाऊंगी. बोले, नहीं नहीं बोल दो बोल दो. अच्छा चलो ठीक है. तो आई जस्ट फील कि मेरा ये पर्सनल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, या आपसे या गलत हो. हम दोनों गलत हो सकते हैं, हम दोनों से गलत हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू माई इंस्टिंक्ट कि मुझे लगता है कि वो जो है ना, उसका हार्ट थोड़ा सा है सॉफ्ट, और वो फ्लिप बहुत जल्दी कर जाती है, जैसे फॉरन जाके मनारा को अंदर जाके प्यार कर लिया. ओ आई एम सॉरी, एंड आई थिंक मे बी इट्स ऑल्सो अ पैटर्न इन लाइफ कि शी इज फाउंड के जल्दी से प्यार करके ना मामला इस तरह खत्म कर दो, तो मे बी शी डजंट इवन मीन इट होल हार्टेडली, शी प्रोबेबली डिडंट मनारा के केस में, जब उसने जाके उसको हक किया. आई एम श्योर उसने मनारा को माफ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको मामला सफाई करनी है, और ऑल्सो उसका मूड अच्छा है. जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो सबसे प्यार करती है, जब उसका मूड बुरा होता है तो वॉच आउट वर्ल्ड, बिकॉज अंकिता का बहुत ही धड़ाम धड़ाम सब सब उसके वार में आते हैं, खास तौर पे विक्की. तो मैं कहूंगी उसका क्लासिक स्टार नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है. विकी भैया का कहूंगी कि वो उनको लोगों को हैंडल करना आता है, शी ही नोज व्हाट टू डू, ही इज वेरी क्लेवर. उनको पता है कि पीपल पीपल फेस क्या होता है, पीपल प्लीजिंग क्या होती है, और रीड द क्राउड, रीड द रूम एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली. और वो एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट करते हैं. उनको पता है कि यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, ये जर्नलिस्ट अंकिता का मैका है, तो मैं बेहतर है कि मैं बिल्कुल क्लेम करूं डिफीट. जो कि आई थिंक उसने बाद में एक्सेप्ट भी किया था लड़कों के सामने कि भाई मैंने तो देखा है, भाई मैं तो कहता, भाई चूम लो हाथ, घुटनों पे पड़ जाओ.
ये सब के बावजूद मैं कहूंगी जो ने किया अंकिता के साथ, वो जिस तरह जाके नीचे बैठ के और जिस तरह प्यार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले चाहे सच हो चाहे नहीं हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रैंकली दिस इज व्हाट अंकिता वांटेड। और मैं इस बात पे मानती हूँ कि विक्की भैया, अगर आपको इतना ढंडोरा नहीं पीटना था, इतना सब नहीं करना था, तो आप प्लीज थोड़ा सा अंकिता की फीलिंग्स पे, थोड़ा सा अगर आप सेंसिटिवली हैंडल करते ना मामला, तो यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। आई नो मैंने आप पैनलिस्ट की भी बात सुनी है पहले कि ये विक्की को क्यों करना चाहिए, अंकिता के सही कह रहे हैं आप, लेकिन अंकिता का है बिहेवियर और मैरिज में होता है। मजे की बात मैरिज की ये है कि कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं से तो होता है, प्रेफरेबली दोनों साइड से इक्वली होना चाहिए, लेकिन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड ऐसा होता नहीं है, तो कहीं से होना चाहिए। लास्टली मैं कहूंगी एट दिस पॉइंट कोई, वो सब सही है सारे हमारे कंटेस्टेंट्स और वो सभी गलत है, मतलब के कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि आप, अब सिर्फ ये बात है कि हम सबकी पर्सनल प्रेफरेंस किसकी तरफ लीन करती है, और हमारी पर्सनल प्रेफरेंस आती है हमारे बैकग्राउंड से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे नेचर से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मनारा पे कहूंगी कि मनारा मुझे नहीं हजम होती है बिकॉज आई फाइंड हर टू शैलो। अंकिता मुझसे फिर भी हजम होती है लेकिन नॉट एज माई फेवरेट बाय अ माइल बिकॉज उसका जो स्टार बिहेवियर है वो बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मनारा का जो बिहेवियर है वो मुझे ज्यादा चुभता है। मुझे मनारा की जो फेक भोली एक्टिंग, जो मैं कह रही हूँ फेक शायद ना हो, उसकी जो भोली एक्टिंग हो जाती है ना कि ये क्या हो रहा है भैया, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये फीलिंग है, मैं सच बता रही हूँ कि आई थिंक इसको पता है, आई थिंक वो इतनी भोली नहीं है, क्योंकि जब वो लोगों को डिकोड करती है तो वो इतनी सही तरह करती है कि मैं सोचती हूँ कि ये डम तो नहीं है, ये तो बहुत क्लेवर है। तो थोड़ा सा मुझे ये मनारा पे शक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसका जो तरीका है ना टॉन्ट करने का, और जिस तरह वो लोगों को सेंसिटिवली, लाइक अगर कोई सॉरी बोल रहे तो वो एक्सेप्ट फॉरन नहीं करती है। अब कुछ लोगों को वो बात पसंद है, कुछ लोगों को ना पसंद है, मैं ना पसंद वाले लोगों में हूँ। आई फील कि कोई सॉरी बोल रहा है तो एक्सेप्ट करो यार, दिल से छोड़ो आगे, तो ये बात है। तो बॉटम लाइन, सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस है आज। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Appreciate it. Okay, now we're going to go back to Hamza before people blame me for cutting him. नहीं But I want to say something on this actually. देखो यहाँ पे एक सिंपल मिस्टेक हुई है, पर यहाँ पे कितने सारे लोगों ने मुझे कितना गलत बोला. जस्ट सी ना, पीपल्स पर्सपेक्टिव चेंजेस सो इंस्टेंटली, इट्स सो फिकल, इट एक्चुअली डिसहार्टन्स मी एंड डिसअपॉइंट्स मी दैट यू गाइस थिंक आई एम लाइक दैट. नहीं No, it does. It makes me no. So you think that I'm gonna stop him from talking and this and that, and you're gonna not write at all these all. comments, and you're gonna think I am gonna think that's okay. I think it's really no. This goes to prove my point, right? That everybody just has a perspective, and they're very fickle, and they change with the wind, you know. And People expect the worst, na? even in our chat, people are talking about me in a rude way. Andy, you did this. Andy, you and it was a complete mistake. So I am actually very disappointed in some of the people in the comments. I have to be honest, because some of the names that are calling me out for this supposed atrocity that I did on Hamza, it's outrageous. It's not okay, guys. Like, really, grow up. I just Really, have no, it's one thing to say, really Andy. I'm sorry. okay. I just have one thing to say, Andy. I think people, लोगों को कहना चाहूंगी कि हम हर किसी से वर्स्ट एक्सपेक्ट करने लगे हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम उस एक्शन का रिएक्शन में भी हम वर्स्ट, वी गो टू द वर्स्ट। आई नो व्हाट हैड हैपेंड, आई जस्ट कैरीड ऑन बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो इनटू अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम कोशिश करें कि हम लोगों का बुरा कम सोचे, अगर ऑब्वियस बुरा भी है तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे। जैसे मैंने विकी भैया को दिया व्हेन ही नेल्ट ऑन द फ्लोर, हालांकि मुझे नहीं लगता वो ऑनेस्ट था। तो प्लीज आप लोग एंटी से बुरा मत सोचे, वो दिल का बहुत अच्छा है बस। नहीं, मैं तो कितना प्यार करता हूं मतलब हमजा से, मैं क्यों उसको ऐसे करूंगा. माय पॉइंट इज दिस दैट पीपल जस्ट एक्सपेक्ट द वर्स्ट इन यू एंड आई डोंट डू दैट. मैं हमेशा कभी किसी से पूछ मिलता हूँ ना पहली बार, मैं कभी भी नहीं सोचता कि ये बंदा बुरा कैसे हो सकता है, मुझे कैसे इसने ठगना कैसे. आई ऑलवेज थिंक
okay, how is this person going to be to laugh with? How is this person going to be, having a cup of tea with? How is this person going to be when we get dressed up together to go to a party with? That's my thinking. But problem is, I've realized that society as general has become very negative. It's really disheartening. It really upsets me, actually. And anyway, I just think when people know you, they, jaise Munawar bol raha tha, meri fandom mujhe janti hai. But maybe they don't. Anyway, let's go back to Hamza. आप अपनी उंगली नीचे करो सांझ, अब हमजा की बारी है. वोट फॉर एंडी. मुझे भी शुरू हो जाना, सांझ की उंगली को इग्नोर करा, दर्दम दर्दम शुरू हो जाएगा. ओके, एनीवे, लेट्स करो हमजा. मैं कहना चाहता हूँ वोट फॉर एंडी, वो प्रॉपर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि एंडी सर वो देख रहे थे, तो मैंने भी कहा चलो अब लीना दी ने शुरू कर दिया तो मैं उसके बाद कंप्लीट कर दूंगा. मुझे पता चल गया था कि एंडी को, एंडी सर को लगा कि मेरा रिव्यू बहुत छोटा होता है, तो उनको लगा कि मैंने फिनिश कर दिया. उसके बाद मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले लीना दी से कम्प्लीटली टोटली 100% 1000% लैक परसेंट डिसएग्री करता हूँ. जो भी उन्होंने अभी वो अंकिता जी की तारीफों के गुणगान गाए हैं, भाई मेरे से तो हजम नहीं हुए किसी तरह से. मुझसे अब अंकिता की तो तारीफ मुझसे हजम होती ही नहीं है. और उनको लगता है कि विकी जैन फेक है. मैं कहता हूँ विकी जैन अब यहाँ पर बिल्कुल झूठा निकम्मा भी निकल आएगा ना, मैं फिर भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा. उस बंदे को तो उन्होंने डोल बनाया हुआ है, और एक ऐसा डोल जिसको एक तरफ से फाड़ दिया है, उसको बजा बजा के एक तरफ से तो वो फट गया है. उस बेचारे को इतना इन्होंने जलील किया है, पहले दिन से अब तक उस डोल को पीट रहे हैं. उस डोल की क्या कहते हैं, वो डोल माफिया मांगता है, अल्लाह का वास्ता मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है. अभी तक क्या वो फेक है? ये बंदी वुमेनाइजर बोल दे, करेक्टरलेस बोल दे, सब कुछ बोल दे, पति गलत. जितना कॉम्प्रोमाइज इस पति ने किया ना, इस पत्नी ने 5% भी कर लिया होता ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होना था. जो ड्रामे लगा लगा के, और लीना ने बोला, मुझे लगता है कि वो सच्चे दिल की है, वो झूठ नहीं बोलती, सच में झूठ नहीं बोलती. ये अंकिता झूठ नहीं बोलती, ये तो झूठी नंबर वन है, झूठी नंबर 10. जितने झूठ ये बोलती है बार बार के, इसका तो शुरू ही झूठ से होता है. सुबह उठती है, उठ के इसने कहना चलो अभी मैं एक झूठ बोल लेती हूँ, फिर दोपहर होती है दो झूठ तब बोलती है, फिर शाम होती है, फिर शाम को तो रुकती नहीं है, बातें करते हुए उसके मुंह पे ढक्कन ही नहीं आता. वो जब फैमिली वीक आए थे ना, तो मनारा की सिस्टर ने फिर बड़े अच्छे से याद भी कराया सलमान को. सलमान खान भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं हमारी अंकिता ऐसी नहीं है, हमारी अंकिता बहुत चंगी है. उसकी बहन ने याद कराया कि ये जो आपकी बहन चंगी है ना अंकिता, ये इसी ने बोला है, ये सब ईशा के साथ साथ ये भी इन्वॉल्व थी, पूरा पूरा गंध इन्होंने भी बोला है. और उस पर मान ही नहीं रही थी, कहती थी नहीं मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है मैंने. फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पूरी वीडियो देखी, इसका एक बात होती थी, आगे इसकी जो गंध इसने बका होता था वो होता था, फिर अगली बात होती थी, फिर उसके आगे जो इसने गंध बका था. तो झूठ सबसे ज्यादा यही बोलती है, इसकी ये आदत रही है, ये फितरत रही है. पहले जब मैं बोलता था ना, तो लोग कहते थे आपके दिल में तो पता नहीं क्या हेट है. जब पहली बार मनारा ने कुछ इसके साथ शेयर किया था ना अपना, कि भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर्स जो हैं मनारा प्रियंका चोपड़ा उनकी बातें की जाए, इसी के साथ शेयर किया था, इसने पूरा ड्रामा बनाया था अगले दिन, और कहा था पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट करती है. लेकिन तब लोग कहते थे नहीं नहीं अंकिता तो सच्चे दिल की बहुत है, उसके मुंह से तो गंद नहीं निकलता. जब उसने मिडिल फिंगर दिखाई तब भी कह दिया नहीं नहीं गलती से होगी थी, उसने लिटिल फिंगर दिखानी थी. लेकिन बेचारी की मिडिल फिंगर ऊपर खड़ी होगी, वो तो उसको पता नहीं ना चलता, उसके हैंड से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसका दिमाग थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर जाता है. वो मैसेज वो मिडिल फिंगर को भेज रही थी, मैसेज चला वो क्या कहते हैं दूसरी फिंगर को जाता है. तो ये लोगों की बातें होती थी. उसके बाद एक प्रेस का क्वेश्चन बहुत मुझे पसंद का आया, जो उन्होंने बोला कि यहाँ पर बैठ के आप नागने शक्तियां न्योले सब क्लेम कर रही हैं कि आपके ससुराल से हैं, कि न्योला भी आपका मायका है, नागिन भी आपका मायका है, पिशाचनी भी आपका मायका है, तो आपको जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो तब तो नहीं आ पाती, तब तो आपकी जो क्या कहते हैं पीआर टीम है वो कुछ और ही बोलती है. नहीं नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, वो कुछ गलत बोल रहे होंगे. ये हमारी सच्ची अंकिता जी बोल रही थी, ये हमारी प्यारी बोली क्या कहते हैं अंकिता जी बोल रही थी. इतनी सच्चे दिल की है कि बाहर इंटरव्यू देती नहीं है, लेकिन अंदर बैठ के क्लेम कर रही है कि ये मेरा मायका है, ये मेरा ससुराल है, यहाँ पे मैंने रहना है. ये सब क्लेम करने की बातें होती हैं, उसको मानना भी पड़ता है,
उसको अच्छे से मानो भी। जब आप स्टैंड ले रही थी ना कि मैं यहाँ पर मेरी वजह से लोग दिखते हैं, तो वो सारी बातें आज मनारा की एक एक बात डिस्कस की गई थी वो सच भी थी, मैं ये भी नहीं मानता कि वो झूठ थी, लेकिन अंकिता को ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे वो अबला नारी है, उस पर रहम खाना चाहिए, वो हर तरफ से सताई हुई है, वो खुद उसने लोगों को भी सताया हुआ है और खुद भी सताई है, और ये सब किया करता धरता उसका खुद का है, तो उसमें विकी जैन कैसे गलत था मुझे तो ये समझ नहीं आती कि विकी जी ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ आपने किया है, आप ये तमाशा लगाती हो आप ही रोजाना बैठ के। और फिर बड़ी ना तेज है ये लड़की, ये जो अंकिता है ना, फिर जाके बोल भी देती है सॉरी मनारा आई डजंट मीन दैट, मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन रात को फिर जाके वही बोलती है, अंदर बोल कर गई ये मनारा से कि मैं अपने हस्बैंड के लिए पोजेसिव हूँ। फिर मनारा ने बोला भी कि हाँ ये आपका बनता भी है, लेकिन प्लीज उसमें मुझे इन्वॉल्व ना करें। बाहर जाके बोलती है बिल्कुल नागिन की तरह ना, इसने गिरगट की तरह रंग ही बदल लिया, कहती है हाँ हाँ ये भी ऐसा करती है, ये भी जानबूझ के चिढ़ाती है, ये भी जानबूझ के बीच में आती है, ये अंकिता जी ने बोला था, और 5 मिनट में पूरी बदल गई अंदर से बाहर आकर। तो ये अंकिता जी हैं जो दिल की सच्ची हैं, हर अच्छी बात करती हैं और उन पे जुर्मों की इंतहा होती है, मुझे तो पता नहीं चलता कि होती कैसे, किस तरह उसके ऊपर जुर्मों की इंतहा हो जाती है। क्या आज उसका पति घुटनों पे बैठ के माफिया मांग रहा था हर तरह से, लेकिन फिर भी गलत कौन है? हमारा विकी जैन, क्योंकि वो उसकी माँ गलत है, उसका घर वाले गलत है, उसका आगा पीछा सारा गलत है, तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। उसके बाद जो मनारा के क्वेश्चन थे, इतना तो मुझे भी सुनने में आया कि कुछ मतलब एडिट करके बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे जो उनसे किए गए कि जो अभी थे ही नहीं एपिसोड में, मतलब कम थे, लाइव में बहुत ज्यादा प्रेस चला था, लेकिन एडिट करके बहुत सारे क्वेश्चन और मिस आउट किए। मुझे वहां पर मनारा की भी बातें बहुत सारी सही लग रही थी जो प्रेस कर रहे थे, जो वो बोला जा रहा था इनसिक्योर वो ना भी, ये सारी चीजें मुझे सही लग रही थी, क्योंकि मनारा जी भी इस चीज में इन्वॉल्व रही है, शुरू में वो ये सब कुछ बोलती रही है, तो वो क्वेश्चन भी मुझे बड़े सही लगे। ये मुझे बोलना था आज की पूरी एपिसोड पे। Thank you so much. I'll come to you, Sanj, but there's loads of super chats and people are complaining. I'm not getting to them. Let's get to them now. We've got Tanu Bhardwaj. Aaj media Ankita ke maike wale ban ke aaye the. Thank you for the super chat. Deepika RC, thank you for your super chat. I know that aap keh rahi kitab ki teen miss ho gayi thi, par main wait kar raha tha sahi time pe taki main sab ek saath kar paun. Deepika kehti hain, winner wasn't be biased on today. It's about whole journey. Okay. So winner wasn't supposed to be based by only today, but whole journey. Absolutely agree with you. 100%. यहाँ पे सुचेता ने पूछा था हम कौन सा शो रिव्यू करने वाले हैं नेक्स्ट, और वो था नेटफ्लिक्स का सीरीज है, उसका नाम है ट्रस्ट। It's a game show like Big Boss only, but it's very interesting. So please watch it. So hum uska turant Big Boss ke baad, we're going to be reviewing that on a daily basis. So go for it. But it's only 10 days anyway, so it'll be short and sharp. Okay, Deepika RC again, thank you for super chat. When can we see the title which says Manara whitewashed by Salman in BB? Ankita is wrong with Mana for 2 days. Mana was wrong with many girls for many days. Yeah, so two wrongs doesn't make a right, na? So they're both wrong. It doesn't matter how many days who did what, but they're both wrong. I never said ki Manara ko white chit diya jaye, not at all. I'm saying she's wrong in what and some of the things she said. Maybe she's misunderstood, maybe they're wrong. But because she always comes across, wo hamesha kehti ki mera point wo nahi tha, mera aisa tha. Wo apna explanation aise deti hai. But my point is, chalo theek hai, hame wo galat laga. और उसको हमने तब भी कॉल आउट करा था, सो व्हाई आर पीपल फॉरगेटिंग दैट? जब मनारा ने ये बकवास बकी है पहले भी, वहां पर उसको कॉल आउट करा गया है, तो अब अंकिता ने वो चीजें करी, उसको कॉल आउट ना क्यों ना करें, इज माय क्वेश्चन। वी हैव टू कॉल एवरीबॉडी आउट इक्वली। So Mystic Musings, ooh, that's a nice name, thank you for the super chat. Ankita hypocrite narcissist, heartbreak for Manara. Okay, that's obviously a Manara fan, but agree. That's your point of view. Thank you. Kesang Nima, thank you for becoming a member yesterday. I remember. Thank you so much. Only Manara deserves to win. Ankita is Monjolika. Wonderful. It's funny. Sorry. Harjot Kaur, welcome back. Thank you for the chat and being a member. I think Arun is kept in top 5 to fulfill the YouTuber quota. Anurag destroyed it and they replaced him with Arun to please the YouTube committee. Ho sakta hai, but I think he does deserve it. He's the least toxic so far in the house right now.
if I'm honest. So I don't mind him being in the top five at all. Naina Sindhu पूछ रही है, how can I become a member? It's really easy, guys. आपको एक ब्राउजर में हमारा पेज पे जाना है, YouTube पे. You'll see the join button. You press the join button. और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे कोई भी वीडियो के ऊपर आप देखें डिस्क्रिप्शन में, you'll see the join link in the descriptions, in all the descriptions. And also, I can put up the description, the link now also and pin it. So you can become a member. So many ways. Okay, then we've got Salman Khan. Welcome back. Thank you for super chat. I'm being a member. Andy, we love you. Positive vibes only. Thank you. Super hearts for you. Then we've got Deepika again. Thank you for the super chat. I am so appalled by reaction of the panelists towards Ankita. It is visible that she is only going through some mental issues. And instead of empathizing with her, you're saying things casually like she needs help in disgust. Well, actually, agar aapne dekha hoga, Deepika, I'm sure aapne dekha hoga. At least 2 days ago, maine ye sari baate kari thi. Jahan pe maine bola tha, kaafi saaf tarike se, spasht alfazon se bola tha, ke Ankita ko help ki zarurat hai, and I feel really bad saying this, and I don't mean any disrespect. Maine ye bola hai this way, and mujhe yakeenan pata hai ki inko definitely kuch professional help ki zarurat hai. Is wajah se the way she is reacting, we have to take it with a pinch of salt. Maine ye kaha tha. So the problem is na, we have to judge everyone per day. We cannot keep going back to all of the little things. Fir hume bhi aapko per day hi dekhna padega na. The problem is we have to call her out even if she's having mental issues. Her husband is there. She has the most support in the house. Other people in the house also are having mental issues. Abhishek ko le lo, Manara ko le lo. Manara bhi thodi, I'm sorry, I've said this many times. Mujhe Manara ke liye bhi lag raha hai ki kuch na kuch is off. Not in a bad way. I'm not trying to be rude about them. I'm just being concerned. Because she also is not able, if you notice, she's not able, wo apna पक्ष रखने की क्षमता ही नहीं है उसमें कि अपना स्टैंड भी ले ले. She can't stick up for herself. There's something going on there. It seems she's also broken mentally by the house. Jang, thank you for the super chat and being a member. Hamza, your black heart hating of Ankita's hypocrisy as if Vicky Jain is and contestants your family. Ankita, support Vicky today. You can't see her good. Okay, well, that's your opinion. Thank you very much. Super appreciate it. We got two ungliyan. We're going to go first with the song. Okay, we have three ungliyan. Sorry, Dashimi and Ashwarya. We're going to get to the unglis first and then we'll come to you fresh. Sanj first, then Lina, then Hamza, then we'll go to Dashimi. Okay, one second. Sorry, guys. Srishti, is this our Srishti? Yeah, Andy. Actually, I cannot switch on the light or something. That's why my camera is off. Fine, no problem. So I'll come back to you. No, I wanted to just check if it was our Srishti, because obviously we check with camera who you are. We like the cameras on. But Srishti, I'll make this one for you this time, not again. Okay, Sanj. Okay, पहले तो मुझे यहीं से बोलना, जहां से मेरी पहली बार उंगली खड़ी हुई थी लेना से, कि वो झूठी नहीं है. इस घर में अगर सबसे कोई झूठा रहा है ना, महा झूठा मैं कहूंगा, तो वो अंकिता लोखंडे है. क्योंकि उन्होंने इतने भर भर के झूठ बोले हैं, उनके ऊपर रील्स ऐसे नहीं बनी, उनके झूठ को मतलब ऐसे नहीं एक्सपोज किया गया, क्योंकि वो करती है. और जब वो पकड़ी जाती है तो उनका दो तीन, मैंने पक्के मैंने बोला ना, पेट डायलॉग है. एक मुझे याद नहीं आ बोला होगा, मेरे इंटेंशन वैसे नहीं थे, तो वो मैंने मजाक में ऐसे बोल दिया होगा. हर गलत चीज करने पे वो मुकर जाती हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं. ऑन अदर साइड वही सेम चीजें मुनव्वर अभिषेक करता है, तो आप कहते हैं कि उससे बड़ा टॉक्सिक इंसान या टॉक्सिक वो चीजें नहीं है. वो साइड्स तो मैं नहीं डिस्काउंट कर सकते. तो मुझे इसी सोच से प्रॉब्लम है. अंकिता हाथ उठा सकती है, अंकिता लात मार सकती है, अंकिता गालियां दे सकती है, अंकिता डिवोर्स की धमकियां दे सकती है, अंकिता कह सकती है कि मैं तेरे को ना जोर की खींच के तमाचा मारूंगी, अभी मेरा दिल कर रहा है, ऐसी चीजें बोल सकती है. और अगर यही सेम चीज आज अंकिता कहीं सॉरी बोल देती प्रेस के दबाव में आके विक्की से, तो यहाँ पे हल्ला मचा होता कि ऐसे कैसे उसने कर दिया, जबकि गलत तो विक्की था. और यही रियलिटी है, दोनों के रिलेशन में गलत दोनों है. पर राइट नाउ नहीं कहूंगा, काफी टाइम से अंकिता ने इस टॉपिक को ड्रैग किया, अननेसेसरली किया. और इतना टॉपिक ड्रैग करने के बाद आज वो क्या कह रही थी, मुझे तो नहीं लगता इनके बीच में कुछ होता, वो तो भैया बोलती है उसको. अगर आपको इतना पता था तो आपने पति से इतने क्वेश्चन किए क्यों दो हफ्तों से, बैठा बैठा के पूरा सारा दिन लड़ती रही हो, एंड रात में आपको याद आया था प्राउड हस्बैंड प्राउड वाइफ.
तो ये चीजें मैं कभी भी उस चीज के डिस्काउंट नहीं कर सकता हूँ। आपने जो चीज उसके ऊपर, फिर उसके बाद आपने करेक्टर असैसिनेशन किया किसका, मनारा का, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इसने मनारा नहीं किया होगा, ठीक है आप कर लेना, पर आप ना वुमेन रिस्पेक्ट का झंडा लेके घूमते हो तो मुझे इश्यू है। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर ही जाके क्राइम करने शुरू कर देगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, पर आपने तो पूरे घर में ये रखा ना कि मुझे वुमेन रिस्पेक्ट के ऊपर बात करनी है, या वुमेन्स के कोई खिलाफ बोले, खासकर अभिषेक को लेके जब ईशा के चीज में होता था तो वो हमेशा यही लाता था, आई डोंट लाइक कोई लड़का एक लड़की के साथ ऐसा बिहेवियर रखे, आई डोंट लाइक दिस कोई ऐसा करे। पर अगर वही अंकिता सेम चीजें मनारा के करेक्टर के ऊपर जाए तो वो अच्छी है, वो दिल से बुरी नहीं है। अरे कहाँ की वो दिल से बुरी नहीं है यार, उसने अपना सारा कुछ एक्सपोज करके जा रही है, ना तो वो पवित्रता दिखा सकी, ना वो अपना रिश्ता बचा सकी अपने ट्रेड से, जो वो पवित्र रिश्ता की यहाँ से वजह से है, तो मुझे तो है। और खासकर हाँ, यहाँ पे ये भी बोला जाता था, पहले वाला मैंने कमेंट पढ़ा, ऐश्वर्या जो शुरू में आई थी इसी को लेके बोलती थी ना, अपने पति को नहीं छोड़ दीजिए, तो उसी से उनको वो खुद वो सारी चीजें करनी है। यार आपको अपने पति से कौन सी वैलिडेशन चाहिए? आज के एपिसोड में आपने शुरू में बोला विक्की शुरू से ही ऐसा था, ऐसा नहीं कि घर में आके ऐसा हुआ, अगर आपको पता वो शुरू से ऐसा था तो फिर रोना धोना किस बात का है। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके बोला जा रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ है तो उसको यार फिर मैं तो अभिषेक को भी डिस्काउंट कर दूंगा, पर लोगों को जचेगा नहीं ना, क्योंकि वो है वुमन बीटर, तो वो सामने सिद्ध हुई है चीज तो, पर उसको तो हम बोलेंगे कि वो तो सबसे गंदा इंसान है, उसका अग्रेशन, उसकी सारी चीजें, वो चाहे मेंटल वो थेरेपी ले रहा है, हम नहीं कोई देंगे भाई, वो तो गलत है तो गलत है, यस अभिषेक गलत है और उसने ये चीजें की हैं, और वो इसी वजह से मेरे लिए, तो मैंने बहुत टाइम से बोला है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई डिजर्विंग विनर नहीं है। सेम विद अपनी ये अंकिता, अंकिता ने अपनी वो हर साइड दिखाई है, जो अभिषेक ने दिखाई है, जो ईशा ने दिखाई है, इवन की जो समर्थ ने दिखाई है, करेक्टर पे जाना, ये क्लास पे जाना, ईगो भर भर के, तो मैं उसको कहां से बोलूं। मनारा ने तो एक सिर्फ अपने रिलेशन के लेके इतनी चीजें बोल दी थी, तो मनारा सबसे गलत, पर जो अंकिता ने किया वो गलत नहीं, तो मुझे बस इतना बोलना। सो थैंक यू, लेट्स गो टू द नेक्स्ट उंगली व्हिच इज लीना एंड देन हमजा। हेलो, बिफोर आई कम टू सांच, मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स में थोड़े पर्सनल अटैकिंग कमेंट्स आते हैं, जब आपको कोई पसंद नहीं आता, जैसे हमजा या अभी कुछ सांच बोल रहे थे उससे पहले आंटी के, भाई प्लीज़, भाइयों बहनों आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करें कि ये लोगों की ओपिनियंस हैं और हम ये इतना काम करें, ये जज करें, तो पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज अभी आपके सामने सांच ने खुद बोला कि वो अगर वो मुनव्वर को कहे कि वो ठीक है या अभिषेक को कहे चाहिए तो वो सही हो जाएगा, वो बता रहा है, वो सबकी गलतियां उठा रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा है तो ही इज अ चीटर और अ बीटर। ये बहुत गलत बात है, पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज स्टॉप, प्लीज नेगेटिव ना देखे ना। दूसरी बात, सांज और हमजा को मैं दोनों को एक साथ एड्रेस करूंगी कि एक तो आई थिंक कंफ्यूजन ये है कि मैंने बोला था कि कोई भी इस लेवल पे कोई सब अच्छे और सब गलत है, तो इस लेवल पे कोई भी इस तरह का वो नहीं है, एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम किसी को सपोर्ट खुले दिल से कर ही नहीं सक रहे, तो जो पर्सनल प्रेफरेंस पे आती है अपनी बैकग्राउंड और अपनी लेके, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपकी या हमजा की या ऐश्वर्या या सृष्टि या एंडी किसी के भी, यू नो, एंड सेम वे एंडी विल नॉट हैव द सेम। ये हमारी पर्सनल बैकग्राउंड, हमारी एक्सपीरियंसेस, हमारी जो पर्सनल, जो हमारी लाइफ में जो लोग आए और उनने हमको जिस तरह अच्छी मेमोरीज छोड़ी और बुरी मेमोरीज छोड़ी है, ये सब ना नेचुरली एक इंस्टिंक्टिव वो हो जाती है कि किसकी तरफ आप लीन कर रहे हो, तो मैं कहीं से नहीं कहूंगी। और मैंने अपने रिव्यू में भी कहा कि अंकिता के एक तो उसको वाकई में बहुत वाइट वॉश किया गया, जो कि मैंने पहली चीज हटो 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 पहली चीज बोल दिया, और दूसरी बात ये कि अंकिता इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी और वो है बहुत बुरी, मतलब उसने दिमाग खराब किया हुआ है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं उसको कहीं से ये नहीं कह रही अंकिता सबसे अच्छी, अंकिता ये, अरे नहीं भाई कहीं से भी नहीं, मैंने सिर्फ ये आपको कहा कि मुझे लगता है कि वो दिल की इतनी डायन नहीं है जितनी कुछ लोगों को लग रही है, इतनी नहीं मैंने कहा। और मैं कहीं और मैं ये भी कहूंगी कि भाई विक्की ने बहुत उसको झेला है और बहुत सही पे झेला है। हैविंग सेड दैट, मैं विक्की को भी अच्छा नहीं बोल रही, मैं यही तो मसला है सीजन का, कोई एक इंसान अच्छा नहीं हो सक रहा, विक्की
मुझे पूरी तरह लग रहा है कि उसको लोगों को खेलना आता है, और उसको लाइक आई सेड ही हैज ब्रिलियंट पीपल स्किल्स, तो उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया कि उसने देखा कि ये ऑडियंस के सामने हथियार डालने इज द बेस्ट थिंग, तो मैं हथियार डाल देता, और उसने ही डिड इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, ही वेंट ऑन हिज नीज, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ही किस्ड अंकिताज हैंड और सब कुछ, और मुझे अच्छा लगा देखना। आई वाज लाइक या अल्लाह, शायद शायद प्लीज गॉड, अब इनकी लड़ाइयां हमें ना देखने मिले, क्योंकि हम सब कलेक्टिवली तंग आ चुके हैं। Okay, तो thank you very ये much. I'm gonna ठीक move है, on now. Thank you so much. Let me take these quickly. I'll come to Hamza in a second. Deepika RC, thank you for the super chat. Vicky is more wrong when you get a partner who's emotionally unavailable, gaslights you, blames you for everything, reminds you of the favors, constantly gives more attention to others. Any sane person will become insecure and chit-chitter. I agree. I agree. And I have to say that, I've also been in a relationship where these similar things were happening, and I went Ka-chink! Because I was like, no, not good for your mental health and not good for your life, so goodbye. But is Ankita gonna do that? Who knows? Deepika RC, thank you for the super chat. Vicky is equal to no support, emotional unavailable. I agree with you. Agree with you. Okay, Hamza, please short me rakhna. We've got to get Dashmi, Ashwarya, and Shrishti. ओके एंड सर, मुझे रीना जी से सबसे पहले ये बोलना था कि आपने एक चीज बोली थी कि जी वो क्या नाम है उसका, अंकिता जी भूल जाती हैं, तो मैंने उस चीज के ऊपर डिसएग्री किया था। वो भूलती नहीं है, उनको हर चीज अच्छे से याद होती है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ याद रख लेती है और कुछ भूल जाती है। एक सुपर चैट आई थी कि अरुण को यूट्यूब कम्युनिटी की वजह से रखा जा रहा है, नहीं उसको इस वजह से नहीं रखा जा रहा, उसको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अंकिता और विकी एक जगह के अगर घर पे होंगे तो वोट्स बट जाएंगे। कुछ लोग विकी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग अंकिता को करेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि लोग सिर्फ अंकिता को वोट करें, तो बाहर जाके विकी भी अपनी बीवी को सपोर्ट करे, उसको ज्यादा सारे वोट्स मिले। और एक और मुद्दा आज जो उठा था अंकिता ने, जब सुशांत सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया तो अंकिता ने बोला ये पास्ट है, इसको पास्ट में रहने दो, तो अंकिता इस पास्ट को आपने ही प्रेजेंट बनाया है बोल बोल के सुशांत ऐसा सुशांत वैसा, तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जब आप एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो उनको आप बिल्कुल सही क्वेश्चन बनता था, ये मुझे बोलना था। थैंक यू वेरी मच। नाउ गोइंग टू दशमी, फर्स्ट टाइम आई थिंक, दशमी इज इट राइट, फर्स्ट टाइम? यस हाय, फर्स्ट, हाय, वेलकम, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम एंड व्हाट्स योर रिव्यू? मेरा नाम दशमी है, मैं केरला से बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम मेघालय। आज ओके, मुझे कैमरा में आना बिल्कुल भी, आई एम नॉट कॉन्शियस दैट मच, बट मुझे आज बहुत ज्यादा बुरा लगा बिकॉज मनारा के लिए, एज अ गर्ल मैं एक लड़की हूँ, एंड मैं अंकिता को बुरा नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं उनको, बट मैं मनारा को सपोर्ट करती हूँ, आई एम अ फैन ऑफ हर, मुझे वो पसंद है, दैट्स माई ओपिनियन। पर मुझे बुरा लगा कि विक्की भैया ने जो किया आज मनारा के साथ, क्योंकि मनारा ने विक्की भैया को बोला था लाइक कि अंकिता जी को प्रॉब्लम है इफ आई टॉक विथ यू, सो एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, ही शुड ड्रॉ अ लाइन एट दैट टाइम, यस, बट एट दैट टाइम में उसने बोला मनारा को नो नो नो, एज इंडिविजुअल में आया हूँ, मैंने उसको फुल्ली फ्रीडम दिया, आई ऑल्सो हैव फ्रीडम, तो मनारा ने कभी वो लाइन क्रॉस नहीं किया। मैं भी लाइव देखती हूँ, प्लस मैं शो भी देखती हूँ, दूसरे जो सारे जो एपिसोड है मैं वो भी देखती हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा जहाँ पे उसने आज तक लेडी या ऐसे वुमेन जहाँ पे उसने कुछ लाइन क्रॉस किया है, जहाँ पर उसके कैरेक्टर पे कुछ बोले। मेरी भी मम्मी है, मैं दूर रहती हूँ अपनी मम्मी से, एंड मुझे बुरा लगा अगर उसकी मम्मी टीवी शो में देखेगी कि मेरी बेटी के साथ इतना ज्यादा करेक्टर असैसिनेशन। अगर तुम बोलोगे कि शी हैव बैड एटीट्यूड या उसको बोलने का ढंग नहीं, दैट्स वगैरह वगैरह, इट्स एवरीवन हैज पर्सनालिटी, लाइक आई हैव माय ओन पर्सनालिटी, आई कैन लिकम विद, मेरे को वो मनारा पसंद है बिकॉज मुझे आई कैन कनेक्ट विद हर, क्योंकि मैं अपने बातों को बहुत शराब रख के बोलती हूँ, लाइक अभी भी, पर सम पीपल आर नॉट परफेक्ट टू पुट देयर ओपिनियन, मे बी उनके माइंड में बहुत चीजें चलता है, but they don't know how to put this a shortcut, so maybe she have that problem, that's okay, par manara ne jo jo bhi galat kiya wo galat, jo sahi kiya gayi sahi, par aaj ke episode mein usko uska character bahut gande se dikhaya hai, and ankita also she should put a line ki manara I have a problem with you, don't talk with my husband, mujhe acha nahi lagta, that should be a
जेंटलमैन इफ विक्की कुड डू दैट एंड अगर एज अ वुमेन जो अंकिता बोलती रहती है मैं दिल से खेलती हूँ मुझे तुम्हारे बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम मे बी अगर मनारा की जगह होती एंड मुझे विक्की भैया से वाइब मिलती क्योंकि उस घर में लोग नहीं है बात करने को मैं भी बात करूंगी अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं और वो बार बार सॉरी बोलती मनारा को तो अगर आप पर्सन सामने से सॉरी बोलता है आप उसको बोल भी नहीं सकती हो कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो नहीं शी सी एक्सेप्ट दैट तो आज जेंटल मुझे लगता है मनारा दिल की अच्छी है वही पे नॉट हर जगह उस टाइम में शी सेड ओके मैं आपको मतलब यू सेड सॉरी आई एम ओके बट अगेन अगेन यू कीप कंटिन्यू एंड मुनावर आल्सो मनारा इफ शी लाइक मुनावर आल्सो एंड शी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस इन सोशल मीडिया इट्स हर लाइफ हर चॉइस बिकॉज मुनावर की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कौन लड़की उसे लिंक करना चाहेगी इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप करोगे एज अ लेडी एज अ गर्ल आपको पता है कितने मेसअप है यू वॉन्ट टू नो नो एज अ फ्रेंड शी क्लियर इट मेनी टाइम पर मनारा की बात कोई नहीं सुनता उसको लाइक एकदम हवा में उड़ा देते है अनंकिता जो बोलती है वो सही मुझे उस बात पे प्रॉब्लम होती है इफ यू लाइक हर डिसलाइक हर इट्स योर चॉइस नो प्रॉब्लम दूसरे पॉइंट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मेरे मम्मी भी अंकिता के फैन है फ्रॉम पवित्र रिश्ता मैं भी थी पहले क्योंकि मैंने पूरा सीरियल देखा था अर्चना मानव का मुझे प्रॉब्लम ये है मैं खुद अपनी मम्मी से भी बोलती हूँ डोंट जज अंकिता अस अर्चना प्लीज दैट इज जस्ट अ कैरेक्टर व्हाई वी जज हर अस अर्चना दिल की अच्छी ओ गॉड प्लीज क्या अगर एंडी आपने कोई मूवी का कैरेक्टर निभाया है तो क्या आप शो में बोलोगे कि मैं वो हूँ नहीं नो यू विल बी नो फॉर योर पर्सनालिटी एंड अंकिता ने जो इस शो में एक पर्सनालिटी दिखाया है आई एम सॉरी मे बी कुछ लोगों को बुरा लगेगा बट एज अ पर्सन इंडिविजुअलिटी आई डोंट लाइक एट ऑल विक्की हैव सो मेनी बैड ट्रेट्स जो मे बी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा ही हैव गुड थिंग्स ऑल्सो उसको क्या क्या नहीं बोला वुमनाइजर किसने बोला अपनी वाइफ ने इफ अ पर्सन से दूसरे लोग बोलेंगे मे बी ही विल नॉट हैव दैट मच बट एक वाइफ बोलेगी एक हस्बैंड को सोशल मीडिया टीवी पेरेंट्स खानदान फ्रेंड्स एवरीवन विल सी दैट इट्स हर्टिंग ही हैव फीलिंग मैन वो लड़का इसका मतलब ये नहीं कि वो रोएगा नहीं ही हैव फीलिंग पर उसने दिखाया नहीं सिंपैथी कार्ड नहीं लिया विक्की ने He just put a point. Please मत बोलो ये अपनी वाइफ को एक decent way में बोला मे बी इन अ डिफरेंट टोन पर उसने नहीं दिखाया कि मेरे को बुरा लग रहा है तूने ऐसे क्यों बोला नहीं इतना सिंपैथी कार्ड नहीं खेला पर अंकिता एवरी टाइम सिंपैथी कार्ड बट ओके मे बी इट्स हर चॉइस बट मुझे पसंद नहीं आता है जब लोग बोलते हैं कि पवित्र रिश्ता दिल की अच्छी प्लीज डू Judge a person by the character they play on movie, if actor, actress, TV, serial, anyone, that's not a good. You have to be very mentally and थोड़ा तो अपना sense का सोचो या consciousness. That is a character, man. How can you judge a person with that character? That character is been written, right? मतलब लिखा है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको then inform. अगर दीपिका एक पद्मावती का मूवी में कैरेक्टर निभा रही है ड्रेस हजारों दिविशा बहुत सारे ड्रेस पहनने के बाद फाइनलाइज होता है ठीक है दिस ड्रेस विल बी मैचेबल दिस कैरेक्टर तो वी शुड नॉट जज दीपिका का करंट लाइफ उसके लाइफ में क्या चल रहा है एज दैट कैरेक्टर शी प्लेइंग पद्मावती या फिर एंडी ने जो शो किया एमटीवी में या जूम में विल जज शी लाइक दैट नो नो ही हैव अ पर्सन own personality judge a person by that not only for Ankita I'm saying this for the whole like agar aage mein bhi ho and that's my point agar kisi ko bura laga I'm sorry and that is my take like Munawar ne bhi galat kiya hai aaj because he should say agar Manara ke beech mein nahi hai as a man if you find this is just a friendship stand for your friends jo Munawar Vicky ne apne friends mein stand nahi liya विक्की एवरी टाइम वो खुद आता है मनारा से बात करने के लिए दैट वॉट आई सी मनारा ने भी बात किया पर ज्यादातर मैंने देखा विक्की भैया ही आते हैं बोलते हैं ले उस दिन भी शी वाज वेरी सैड एंड सिटिंग एंड वो खुद आगे बोल रहा है क्या हुआ तो ऑब्वियसली अगर सामने से कोई बंदा आके बात कर रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो एज अ जेंटल या फिर एज अ पर्सन हु फील या रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड थैंक यू दिस मच
Thank you for your opinions. Thank you for coming and joining us today. Super enjoyed it. Mystic Musings, thank you for super chat. Hi Andy, not a fan of Manara, but felt pretty bad. YouTube loved you on Channel V. Looking forward to content here. Please do Mystic Musing. Stay tuned. We will continue doing some nice content here. I'm trying to work on some nice programming over here so we can keep connected for sure. So thank you for that. Thank you for joining us and thank you for subscribing. Guys, if you haven't subscribed, please do subscribe. Do you want to say something, Dashmi? Aapko kuch kehna hai? Yeah. I want to say I like you as a person and you never bias on this show. Follow you, like not that much, but जहाँ तक मैंने देखा है आपने कभी किसी को नहीं बोला कि गलत है. What I saw, you always try to, अगर किसी ने अंकिता को गलत बोला, you will say no, 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 no. अगर किसी ने मना को बोला, no, no, no. Something you such good thing in a person, what I like, and I like you. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Hearts for you. Okay, so I think Dashmi is done, so we'll remove it. Thank you. That's so sweet though. Thank you so much. Please join again. Ankita is a real vamp. Please jaag jao public, vote for Manara only and Arun. Ankita ka paid publicity tha aaj ka episode. Okay. But Ankita, okay, I'm not saying anything on that. Kesang Nima, thank you for super chat and being a member. Ankita Munawar knows that Manara is not articulate and they took full advantage of it and attacked her left. This is correct. I agree with this point. Manara ko bolne ka dhang nahi hai aur usko articulation aata hi nahi hai. And jab usko kuch koi blame karta hai na, wo blame apne upar le leti hai jaldi se. She just accepts it. Wahan par socho Big Boss ko aake kehna pada ki nahi Manara, tune to bola hi nahi tha. So you can understand where Manara is coming from. And then ये मुनव्वर और अंकिता ने कैसे आक्रमण किया. बहुत बार जब उसको क्वेश्चन करा जाता था, मुनव्वर पीछे से मुंह बना रहा या ऊपर से बात कर रहा या अंकिता बार बार उसके क्वेश्चंस में आंसर कर रही थी. सो दैट इज एक्चुअली कसंग, यू एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू 100%. आई विश आई हैड पिक्ड अप दैट पॉइंट. ओके ऐश्वर्या, यू आर ऑन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लेट अस नो योर ओपिनियंस. हाय एंडी, हाय एवरीवन. एंडी द लास्ट आस्क्ड मी वेयर आई एम फ्रॉम. सो आई एम फ्रॉम बॉम्बे And today I was really really happy कि मनारा की bashing हुई finally, क्योंकि Big Boss नहीं कर पाया ना सलमान खान कर पाया, तो media ने ही आके कर दिया. ठीक है, वो अंकिता की media हो या अंकिता's PR has paid the media accepted, but finally मनारा की bashing हुई, जो शायद हर कोई like most of the panelists were wanting the whole season कि एक बार तो हो जाए, तो एक बार हो गई and I'm really happy कि वो हो गई, क्योंकि न तो वो एंड तक रहता कि मनारा ऐसे ही निकल गई ऐसे ही निकल गई, बट आई एम हैप्पी कि हो गई. और कुछ इतना बुरा भी नहीं उसको बोला, एक्चुअली उसने खुद की पोल खोल दी जिस तरीके से उसने आंसर किया. अगर इफ शी वुड हैव लाइक एक्सेप्टेड कि दिस इज माय फॉल्ट और व्हाटएवर इट इज, इट वुड हैव स्टिल बीन ओके, बट शी वाज ट्राइंग टू प्रूव कि ये हुआ वो हुआ. उस जो उसने किया उसके एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि हाउ शी इज राइट इन सेइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल. सो आई फील एंड रादर देन प्रूविंग हर पॉइंट, शी वाज बिजी ब्लेमिंग एवरीवन एल्स कि दिस इज व्हाई आई सेड दिस और व्हाटएवर, इन्होंने ये बोला इसीलिए मैंने ये बोला. सो दैट्स वेयर शी वेंट रॉन्ग. अदरवाइज वो आज भी थोड़ी बहुत निकल ही जाती. एंड आई लव अंकिता एंड आई एम सपोर्टिंग अंकिता. आई नो कि द मीडिया वॉज ऑन हर साइड this time, but I feel कि उसने मौके पे चौका मारा है एंड उसने मनारा को बहुत सुनाया आज, और जो वो सीजन में पूरे सुना नहीं पाई, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन में तुम लोग घर पे होते हो, हर बात यू कांट से ऐसे ओपनली टू एवरी वन कि वॉट एवर यू वॉन्ट से, बट मीडिया के सामने तो मनारा चुप्पी हो गई थी क्योंकि उसके पास था ही नहीं कुछ बोलने के लिए, ना वो सोच पाती है इतने फटाफट पॉइंट्स निकाल के. सो आई थिंक शी वॉज कॉर्नर्ड टूडे एंड मुनव्वर एंड Ankita made the best of the situation. पर इस बात पे I feel that अगर इतनी सारी बात हो रही है विकी और मनारा पे, विकी फिर भी चुप था, उसने कुछ भी नहीं कहा. He had absolutely no opinion in it. और मुझे ऐसे लगा कि
he's very shana. He is very shana. I know he has played a really good game. Sab usne acha kiya, par wo bahut shana hai. Matlab, he doesn't want bashing from anyone. Wo kisi ke wo galat light mein portray nahi hona chahta hai. He only wants people to think ki he is good. And till today, I am 100% sure he was thinking ki janta soch rahi hai ki kitna acha pati hai, kitna acche se patni ko sambhal raha hai. Aage, you know, he is taking his wife forward and he's supporting everyone, he's friends with Manara, he's handling everyone in the house properly. But today, his eyes opened, that's why he was shocked ki how is media, you know, coming and saying all this to him, how is this image portrayed outside in the media or to the people. So, he was very much shocked today. And whatever he did that, sorry Ankita, and it was uncalled for. Matlab, media ne nahi bola ki tum niche jhukke, ghutne pe baithke, sorry bolo. It was uncalled for. I think usne ye bahut dekha hai episodes mein ki every time something like this happens, Ankita comes and apologizes for everything. And then she gets sympathy and a free pass, you know, ki Ankita ke sorry bol de. तो उसने सोचा कि मैं भी शायद ऐसा ही कुछ कर लूं और मैं इधर से सटक जाऊं या निकल जाऊं. सो दैट्स व्हाट ही डिड. और वो झुक के उसने जो कुछ भी अंकिता को बोला कि आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक ही रियली रियली मेंट इट. बिकॉज जो उसने अंदर जाके बोला अभिषेक और मुनव्वर से कि भाई हम ही तीनों अटक गए थे, हम ही तीनों फंस गए थे, हमारा ये हुआ, हमारा ही वो, ही हैड नो एब्सोल्यूट नो व्हाट डू यू से guilt about what he has done or whatever. He didn't mean that sorry. And I think we the ek pub media some reporter said ki Vicky bhai aap acche bhaiya ban gaye par aap sahiya nahi ban paye. It was so correct. And I feel ki Ankita galat hai isme, jis tarike se she is reacting and she is not controlling her emotions just like Abhishek, because we are blaming Abhishek for the same thing ki wo apne emotions control nahi kar pa raha. Iske wajah se we can't put the blame on Isha that Isha is doing stuff. If you have a problem, you have to control your emotions. And the same goes with Ankita, that she is a 40-year-old woman, 39-40 whatever, and she should control her own emotions, because utni maturity to aayi jati hai itne experience ke baad. Aur agar Vicky tumhare sath ye kar raha hai, usko bhaad mein jaane do yaar. Ye season ke liye you go ahead, you play your game, you do whatever you want. Tum us pe hi pura attention usne dal ke uska game bilkul zero kar diya. And I think Manara is climbing up and wo abhi Ankita se ke bhi upar she is going. And I think Ankita has destroyed her own game. But I feel really good ki today Manara ko bahut bash kiya aur it was needed and it was absolutely called for. Matlab, I am in support ki Manara got bashing today. So I really like today's episode. It was entertaining. मतलब ऐसे नहीं लगा कि मैं mute कर दूँ या कोई और channel देख लूँ, YouTube खोलूँ. आज ऐसे हो गया कि हाँ मुझे बैठ के पूरा episode देखना है. So it was quite entertaining. And Arun also, I think he took everything in a very sporting way. मतलब it was very demeaning कि जैसे मीडिया ने बोला आप इधर आके बैठे, अरे उसके फॉलोअर्स है, उसके फैंस है, क्यों ना बैठे वो. और द थिंग इज मुनव्वर, आई वाज नॉट सपोर्टिंग मुनव्वर एंड आई वुडंट से आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम राइट नाउ, बट अभी चार पांच लोग जो है उनमें आई फील मुनव्वर डिजर्व्स टू विन, बिकॉज ही हैज द करेक्ट. मतलब जो स्पीच होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है किस जगह पे क्या बोलना है, कैसे एनालाइज करना है गेम को. अभी तो फिलहाल द 3-4 weeks ही इज प्लेइंग एंड आई थिंक ही इज फैबुलसली डूइंग एवरीथिंग. वो स्टैंड अप कर रहा है, वो एंटरटेन कर रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग एंड आई फील दैट ही डिजर्व्स टू विन. जो चार लोग उधर बैठे, अभिषेक ही जस्ट गोज भै 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 भै, मतलब उसको कुछ कंट्रोल नहीं है. पर मुनव्वर हैज कंट्रोल, ही हैज गॉन थ्रू वट एवर ही हैज गॉन थ्रू रिगार्डिंग हिज पर्सनल लाइफ. बट द थिंग इज ही हैज हैंडल्ड इट रियली वेल एंड आई डोंट थिंक there's anything wrong with it. But I still feel that Ankita should win deep down, but I'm okay if Munawar wins as well, because because he deserves to win at this point. Matlab, nobody deserves to win, but wo langdi some bhes mein something wo hai, ek kahawat kuch hai, langdi bhes mein bakri mein bhes something something, but yeah ando mein kana raja. I only know this one na, भैंस के आगे बीन, I know that one, and गई भैंस पानी में, that's the only best ones I know. लंगड़े घोड़े में भैंस, ऐसी भी there's some. लंगड़े घोड़े में भैंस भी होती है. अच्छा सांझ, I'm coming back to you, let me just take these super chats quickly.
We've got Shanti Kumar Kitchen who's saying, Andy Bhaiya, please let me put me in live. देखो आपने मैंने share किया था link जहाँ से ऐश्वर्या कीर्ति भी आई हैं और दशमी भी आई थी, तो आपको वैसे ही आना है और यहाँ पे camera on कर लेना है तब आपको आप join कर सकते हैं. It was open to everyone. There's no choosing. It was for everyone. Akshat, thank you for the super chat. Trophy belongs to Abhishek and Manara doesn't deserve even deserve top three. All she has done in the game is being a third wheel in every relationship. Thank you so much for your opinion. Super appreciate it. Do you want to say something, Aishwarya? Just one thing, Andy. That हम इतना बोलते आ रहे हैं कि मनारा was favored by Big Boss पूरे season के लिए, कुछ भी हो, from starting confession room, कुछ भी हो, कुछ एक दिन अगर अंकिता को आज फेवर किया, एक नहीं दिन किया, बीच बीच में किया, पर बहुत कम किया as compared to मनारा and मुनव्वर. So अगर अगर आज एक दिन किया तो I think it's okay यार for अंकिता. Ashwarya, anyway, chalo theek hai. That's your opinion. Appreciate it. Let me continue with the super chats. Deepika RC, thank you for super chat. Manna not being anyone's wife was so jealous of KZ being close to UK Munna. So can't a wife be insecure if the girl she doesn't like is giving more attention by her husband and Manna knows there is a problem, doesn't back down. See, again, when we talk about contestants, wo uska pati hai, pati ne bhi to nahi kiya na back down. पति को पति का एक्चुअल पत्नी से ज्यादा रिश्ता था ना लड़की से. मनारा को तो वो पसंद भी नहीं थी, उसने बोला था आई डोंट लाइक यू स्टे अवे फ्रॉम मी, वो तो पहले से बोल चुकी थी. तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मनारा? एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर हस्बैंड. योर हस्बैंड इज कॉलिंग हर सेक्सी एंड देन लाइंग अबाउट इट इन टुडेज एपिसोड. ही इज लाइंग. सो लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग द वुमन हियर. द मैन इज ऑल्सो टू ब्लेम राइट नाउ. Krisa Star, thank you so much for your super chat. Aishwarya, are you being paid for Ankita? Girl, you need to open your eyes. Girl. I think she's all natural, no paid. Jangs, thank you for super chat. Aishwarya now and Ankita real queen. There you go. Aishwarya, you're a queen. Jangs says it. Thank you for being a member of super chat. Okay, go to Ungli with Sanj. Mind me next sentence. ओके ठीक है. हाँ मैं पहले चीज बोलना चाहूंगा, ऐश्वर्या ने एक बात बोली कि अभिषेक पीछे क्या भाव भाव करता रहता है तो उससे क्या उसको विनर बना. तो अंकिता क्या कर रही है पिछले एक महीने से, वो भी यही कर रही है. पहला दूसरी चीज आपने बोला कि पूरे सीजन्स में मेकर्स ने मनारा को फेवर किया. सॉरी टू से, पर जितना फेवर अंकिता को हुआ, जैसे आज आपको खुशी हुई ना कि मनारा को कॉल आउट किया गया, हम भी यही चाहते थे एक बार अंकिता को तो भी कर दो. विक्की नहीं गलत है हर सिनेरियो में, कि आप हर बार ये कहते रहो कि विक्की गलत है, पर नहीं, आपको बोलना चाहिए अंकिता आपने बहुत गलतियां की. यही चीज हमें भी फील होती अगर अंकिता को भी आज वो उतना ही कर देते, क्योंकि सबको तो बोला है ना कि सिर्फ अंकिता को छोड़ा है, तो अगर अंकिता को भी कर देते तो फिर हम कहते एक्चुअल में विकर्ण का वार वाला जो होना चाहिए था वो अब हुआ. सबको उनकी लाइक मिरर होता ना, वो दिखा दिया गया है. एंड तीसरा चीज एंडी, मुझे ये सुपर चैट आई थी ना, इन्होंने बोला कि मनारा गलत है उस केस में, तो अंकिता को हम कैसे वो कहते, तो फिर इस चीज से आप बिल क्यों फाड़ रहे हो विक्की के ऊपर, जब उसकी मदर गलत जा रही है तब तो आप कह रहे हो कि नहीं 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 ये सारी फैमिली ऐसी है, वो उनकी सोच ऐसी है. अरे जो विक्की कर रहा है वो विक्की करेगा, उसकी मदर ने जो स्टेटमेंट दी है वो वहां पे है, अंदर जो अंकिता कर रही है वो उसके एक्शंस में वो खुद जिम्मेवार है. जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, अगर राजा बेटा वाला सिंड्रोम जिसकी बात करते हो कि मेरा बेटे ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी लड़की गलत है, तुम उसको संभाल के रखो, नहीं, आप पहले अपनी तरफ आओ. आप लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी है, आपको अपने रिश्ते पे बिलीव नहीं है, तो आप उस चीजों से वो कर रहे हो. जो तीसरा व्हील वाला बोला था ना, वो इसीलिए है कहीं ना कहीं उनमें बैलेंस आ रहा है. अदरवाइज ये जो टू व्हीलर पे चले हुए थे ना रिलेशनशिप लेके, ये जब तक भाग रहे थे ठीक रहे थे, पर अब ये रुक गए हैं तो इसीलिए गिर रहे हैं. तो मुझे वो सही नहीं लगा. विक्की पे ब्लेम डालना बंद कर दो हर चीज का. अगर देना था आज तो अंकिता को भी देते, आज विक्की को घुटनों पे आना पड़ गया. मुझे ये चीज बुरी लगी, जबकि गलत दोनों है सबको पता है, पर विक्की कहां से सारी चीजों में ब्लेम कर दिया, ये नहीं अच्छा लगा मुझे. थैंक यू वेरी मच, सुपर अप्रिशिएटेड. ओके लेट्स गो हंसा एंड देन वी गोना गो टू सृष्टि. ओके मुझे भी थोड़ा सा डिसएग्री ऐश्वर्या से ही करना था, क्योंकि मुझे भी हजम नहीं हो सकी अंकिता की तारीफ. इतनी तारीफ मुझे तो अर्णव याद आ गया, वो ही करता है. सबसे पहले मतलब कि मुझे इस चीज से डिसएग्री करना था कि आज ऐश्वर्या ने बोला
कि विकी घुटनों पे आया, तो विकी को किसी मीडिया ने नहीं बोला घुटनों में आए, तो एक उन्होंने उससे अगले पॉइंट बोला कि अंकिता आकर माफिया मांगती है, तो विकी ने तो ना बोला आके मेरे से माफिया मांगो, अंकिता खुद ही मांगती है ना। अगर आपके हिसाब से आज वो घुटनों पे गया विक्टिम बनने के लिए, अंकिता तो पूरे सीजन से विक्टिम बन रही है, फिर माफिया मांग मांग के ना जाए ना, एक दिन पीछे बैठ के देख ले, आएगा तो फिर माफी मांग ले या ना करे। दूसरा, उसके बाद आपने बोला कि आज अंकिता ने बहुत कुछ बोल दिया और दिल खुश हो गया। अंकिता ने तो इससे दो दिन पहले मनारा को बहुत कुछ बोला है, गंद बोला है, रज के बोला है, अपने दिल की पूरी बरास निकाली है, वो बोला है जो बोलना भी नहीं चाहिए, तो आज नहीं बोला उन्होंने। आज तो अपने पॉइंट को वो प्रूव कर रही थी कि किस तरह मैं सही थी, किस तरह मैं गलत नहीं थी। और एक आपने और बोला कि मनारा और मुनव्वर को सपोर्ट मिले, मैं तो इसे 100% डिसएग्री करता हूँ। जितनी अंकिता को सपोर्ट मिली है इस घर में किसी और को मिल ही नहीं सकी। इवन दो इस वीकेंड के वार पे जब फैमिली बोल रही थी मनारा हमारे हिसाब से फेवरेट है बिग बॉस की, जब उसकी सिस्टर बोल रही थी कि अंकिता ने ये बोला है, बिग बॉस बोलते थे नहीं हम ईशा से बदला लेंगे आप ठहर जाइए, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सपोर्ट अंकिता को मिली है, ये मुझे बोलना था। Thank you so much. Appreciate it. Okay, let's go to Srishti. Srishti, आपकी बारी है, बताइए आपको क्या कहना है? Hello everyone. So, आज मैं एपिसोड को एक वो टैगलाइन देना चाहूंगी, वो अपने कैप्शन में यूज कर सकते हैं कि अंकिता है हीरा और मनारा है जला हुआ जीरा। ठीक है, क्योंकि मतलब आज क्या हुआ है, इन्होंने पूरे सीजन का बिल एक बार में मनारा पे फाड़ा है, वो भी मतलब इग्नोर करते हुए कि अंकिता ने क्या क्या बोला है इन द लास्ट वन वीक। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से कि अंकिता की मैं पूरी जर्नी डिस्क्राइब करना चाहूंगी। उन्होंने पहले वल्नरेबल मोमेंट्स में मनारा के बोली हुई चीज को यूज किया जो गलत था, मनारा को नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद एक्सपेक्ट कर रही थी कि मनारा उनसे गुस्सा भी ना हो, उसको गैसलाइट किया कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, व्हेन शी वाज एंग्री जबरदस्ती से दोस्ती करने की कोशिश की, विच मनारा डिडंट लाइक। आफ्टर दैट शी यूज्ड दैट टू टॉर्चर हर राइट नाउ बाय कैरेक्टर असैसिनेटिंग हर, लिंकिंग हर विथ हर हस्बैंड। बट नहीं, मनारा बुरी है बट अंकिता बहुत अच्छी है, मनारा को मार डालो, उसके पास कोई मत छोड़ो, उसका कोई भी दोस्त भी मत छोड़ो, वो बात भी नहीं कर सकती किसी से, वो समझ से बात करे तब वो डोरे डाल रही है, वो विक्की से बात करे तब वो डोरे डाल रही है, मतलब मनारा के पास इतने डोरे हैं कि वो मुनव्वर जैसे गधे पे भी डोरे डाल रही है। हालांकि उसने बहुत बार बोल दिया है कि उसे मुनव्वर नहीं पसंद, उसे मुनव्वर नहीं पसंद। आई एम अ पर्सन जिसको अगर लो पॉइंट पे कोई समझा दे, क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ी एंग्जाइटी होती है, और अगर उस समय मुझे कोई समझा दे तो आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू देम, आई ऑल्सो गेट वेरी इजिली अटैच टू देम, एंड मे बी दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टू हर। और उसको ऑब्सेस्ड करार कर दिया गया। अब मैं आना चाहूंगी मुनव्वर फारूकी पे, जो बहुत अच्छे से शक्लें बना रहे थे बगल में बैठ के, जैसे कि उन्होंने तो बहुत ही तीर मारे हैं इस पूरे सीजन में, इनफैक्ट अपनी खुद की लाइफ में, जैसे कि उन्होंने तो पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया है जिंदगी में लॉकअप करके, जहां पे भी उन्होंने एक लड़की को लिटरली दिल ट्रिप ही किया था, और बाद में भी मतलब आपने तो बहुत अच्छे काम किए हैं ना ये शक्लें बनाने के लिए बगल में बैठ के, और बाद में ये बोलने के लिए कि रिवीलिंग कपड़े पहन के आप पूछोगे कि ये तो गलत है ना, अच्छा मुनव्वर, और आपकी डबल डेटिंग बहुत सही थी जिसके लिए आपने उल्टा आयशा पे बिल फाड़ दिया था। सो आई डोंट नो व्हाट दिस मैन इज, बट हाँ वो भी अच्छा है क्योंकि गलत तो सब मनारा ही है। मुनव्वर ने पहले मनारा को पहली वीक में ही पकड़ लिया था बोल के कि ये तो एक कॉमिक कैरेक्टर है, ये तो बहुत आगे जाएगी, और फॉर सम रीजन उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसका प्रोटेक्टर ऐलान कर दिया था अपने आप को भी उसी वीकेंड के बाद में। उसके बाद मनारा ने जब उसको दबाव नहीं दिया, उसको हर लो पॉइंट पे वो पकड़ के ले जाता था, चुप करा देता था, उसके बाद जब वो अटैच हो गई तो उसने उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया जैसे दूध में मक्खी। लेकिन मनारा गुस्सा नहीं हो सकती, मनारा के पास अकल नहीं हो सकती, मनारा उसको कॉल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि मुनव्वर अच्छा है और मनारा बुरी है। मनारा कैसे अच्छी हो सकती है, वो तो प्रियंका चोपड़ा की बहन है, वो तो नेपोटिज्म की प्रोडक्ट है, वो तो बहुत कुछ बोल चुकी है, जैसे खानजादे को कैरेक्टरलेस, खानजादे ने उसको ये नहीं बोला था कि वो सेड्यूस करती है अपने बॉडी से, सिर्फ मनारा ने गलत बोला था। मनारा ने आयशा को बोल दिया था कि आप तो आगे पीछे मुड़ के कॉम्प्लीमेंट्स लेने की कोशिश करती है,
वो तो गलत है, लेकिन आयशा ने उसको ये नहीं बोला था कि आप डबल बेड देख के सो जाए किसी के साथ। इसके अलावा मनारा ने क्या कैरेक्टर पे बोला है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पूरा सीजन आपके साथ ही बैठ के देखा है। और रही बात मनारे की बैशिंग की, एक वीकेंड के बाद पे मनारे की बैशिंग हुई थी, क्यों हुई थी? अनुराग से दोस्ती के लिए। क्यों? क्योंकि मनारा किसी के साथ दोस्त नहीं बन सकती, उसको सिर्फ मुनव्वर से दोस्ती करनी है, उसको मुनव्वर का असिस्टेंट बनना है, उसकी मुनव्वर की दुश्मनियां निभानी है और उसको मुनव्वर के पीछे 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 अपनी ट्रॉफी भी सैक्रिफाइस कर देनी है। बस मुझे इतना ही बोला था, मनारा बुरी है, अंकिता अच्छी है, अंकिता को जिता दो क्योंकि उसने पवित्र रिश्ता किया था और वो अर्चना बनी थी उसमें। I'm just disgusted with today's episode. Thank you, Shrishti, for your सोलह वाली अर्चना वहां पे, हाँ पवित्र रिश्ता में उसका नहीं अर्चना बनी थी, उसका रोल था उसमें। Okay, you're really out of touch, Sanj. You don't even know that much. Anyway, so basically, thank you for that, Shrishti. I super appreciate it. But a couple of things जो आपने बोला है जो actually काफी valuable है, जो कहते हैं आज तक किसी का उसी का बैशिंग नहीं हुआ, उसका बैशिंग हुआ था, एब्सोल्युटली राइट है, जहां पे वो नहीं चाहते थे कि वो मुन्ना को छोड़ के राइडर के पास दोस्ती करे। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जो बहुत लोग नहीं समझते हैं। और आपकी पॉइंट्स ये भी वैलिड थी जहां पे आपने बोला कि जहां पे खानजादी को कैरेक्टरलेस बोला था पर खानजादी ने भी तो कोई फूल नहीं बरसाए थे, यू नो, सो एग्जैक्टली दैट पॉइंट। और आयशा ने भी नहीं, आयशा ने भी काफी कुछ बोला है उसके बगैर भी, उसने उसके बाद भी, तो हम कैसे भूल जाएं कि आयशा ने अंकिता आपकी पवित्र रिश्ता वाली को तो बोला था मेरे पैर चाट ले, वो भी ठीक था आपके लिए, राइट, वो भी ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे किसी को विलन करार करना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विलन नहीं है, कोई भी हीरो नहीं है, यहाँ पे सब लोग हैं, ह्यूमंस हैं, जैसे मुनव्वर बोल रहा था वी आर ओनली ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे सिर्फ मनारा क्यों क्यों कॉल आउट करा जा रहा है, उसको ही सबसे बुरा क्यों बोला जा रहा है, जबकि सबके सब बुरे हैं, सबके सब ने बकवास करी है, तो उनको भी पकड़ा जाए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, बी फेयर इज व्हाट आई एम सेइंग। लेट मी जस्ट टेक सम सुपर चैट्स एंड वी विल कम टू क्रिस्टीना। वी गॉट सम सुपर चैट्स ओवर हियर, देयर वाज मोर देन वन। Okay, anyway, let's take this one. Akshat, thank you for super chat. Neither Ankita nor Manara deserve to be in top three, and stand up is a profession of Munawwar, so he did well. But Abhishek ne bhi acha kiya. Abhishek is perfect winner. Don't judge him based on his personal life. So problem ye hai na ki hum unko usi way mein judge kar sakte jo unhone yahan Big Boss mein apna पर्सनैलिटी दिखाया, उसने दिखाया कि मैं एंग्री यंग मैन हूँ, मैं किसी के ऊपर भी चार्ज करता हूँ, मैं किसी की ऊपर नीचे सोचता नहीं हूँ, मैं जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर भी उतना ही तेज धार से बरस रहा हूँ, मैं किसी बड़े का आदर करने का, जो इंडस्ट्री में बड़े हैं मेरे से वो उनका आदर करना मेरे में नहीं है, तो इज्जत किसी के लिए नहीं है मेरे मन में, और मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ। आज वो उसने साफ साफ बोला, मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं दिल से खेलता हूँ, तो इसका मतलब पूरा दिमाग से खेल रहा है। और उसको कितनी बार ब्लेम भी करा गया कि कहाँ पे तुम किसी को टारगेट करके उनको निकालते हो, फिर वहां पे जाके तुम रोते हो, तो फिर आप फेक कहलाते हो। प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक की गेम्स में बहुत सारे होल्स हैं और वहां पे हमें समझ में आता है कि अभिषेक सबसे अच्छा नहीं है। सो हाउ डू यू मेक हिम द विनर इज द क्वेश्चन। इनफैक्ट मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे इस बार इस शो में मुझे तो कोई भी पसंद नहीं एक विनर की तौर पे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो बार बार मैं कहता हूँ अभिषेक के लिए मैं कुछ अच्छा भी बोलूंगा बुरा भी बोलूंगा, पर मैंने सबके लिए ऐसा किया, मुनव्वर के लिए, मनारा के लिए, अंकिता के लिए, विकी के लिए, अरुण के लिए, मैं हमेशा आई हैव गॉट अ बैलेंस्ड व्यू बिकॉज आई डोंट थिंक ऑफ देम एट ऑल एज विनर्स। और अगर कानों में अंधा राजा अरुण है भाई मेरे लिए, अरुण का आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि अरुण एटलीस्ट टॉक्सिक नहीं है, अरुण ने जब भी लड़ा है उसने बिलो द बेल्ट नहीं गया है, ऊपर से वो हमेशा उसने अपनी दोस्ती निभाई है, चाहे वो तहलका के साथ है चाहे वो नारा के साथ है। तो अगर कोई सबसे रियल है, सबसे एक्चुअली डिजर्विंग है, और जिस तरीके से उनका लॉस उनके घर में जो हुआ था, जो बच्चा उनका लॉस हुआ है, एंड जिस तरीके से उनको नेशनल टीवी पे वो बताया था, I think he deserves the trophy, guys. As a human, think about it. अगर किसी ने सबसे ज्यादा कुछ गवाया है इस शो में, एक बच्चा गवाना और हंसते रहना उसके बाद, it's outstanding.
It shows character. And that's the real character that I'm talking about that deserves to win the trophy. So Arun mere liye a winner hai, and I'm glad ki wo top 5 mein chala gaya hai and Vicky out hai. But obviously, Vicky, dekho, main fir se bolunga, Vicky mujhe at least 6 ghante pehle bataya gaya tha ki Vicky out ho chuka hai. But mujhe jo mera confirmed होता है वो नहीं हुआ था बट अभी फिलहाल मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये जो प्रोमो में जो दिखाया है ये टास्क जो हुआ है वहां पे विकी को निकाला गया है और मैंने ये पहले भी बोला था पिछले एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि विकी को निकालेंगे ताकि अंकिता की फॉलोइंग ज्यादा मजबूत हो वहां पे जो डबल वोट्स होंगे यहाँ पे सिंगल वोट्स में हो जाएंगे ऊपर से विकी बाहर जाके भी पैसा खर्च करके भी वोट्स कमा पाएंगे कम ऑन वी नो दैट्स द ट्रूथ एंड ही शुड डू दैट टू मेक हर विन सो यू नो व्हाई नॉट एंड व्हाई नॉट है तो करो ना व्हाट इज द प्रॉब्लम आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ पॉसिबिलिटी दीपिका आरसी थैंक यू फॉर सुपर चैट मनारा कोई देवी नहीं है एब्सोल्युटली नहीं है आई एग्री विद यू शी इज इन रॉन्ग मोर देन अंकिता नो आई डोंट एग्री विद दैट दिस इज माई प्रॉब्लम शी इज नॉट मोर रॉन्ग शी इज एज रॉन्ग She is the same wrong as Ankita Khanzadi Aisha. She is the same. She is not more. This is a wrong. This is exactly what my point is. Ki koi yahan pe kam zyada bura nahi hai. Sab ke sab bure hain. And you can't be like ki ye jyada. No, madam. This is I don't agree with. She was right fit with UK Samarth and Isha. Their vibes really match. I agree on that point too. Thank you very much. Ha, let's go to Aishwarya quickly on her one point. Then we'll come to Christina. हमजा ने बोला कि मतलब मैंने वो पॉइंट बोला था कि मीडिया में आके मतलब मीडिया डिडंट आस्क हिम टू सिट डाउन ऑन हिज नीज एंड आस्क फॉर दैट अपोलॉजी ही डिड इट बाय हिमसेल्फ बट द थिंग इज देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस कि अंकिता आके उसको घर पे अपोलॉजी देती है दे डोंट इवन नो कि वो फुटेज बाहर दिख रहा है कि नहीं पर मीडिया के जो फुटेज है वो 100% बाहर जाने वाला है और ये विकी को पता है ही इज वेरी स्मार्ट अबाउट दैट एंड दैट्स वाई ही डिड ऑल दैट नाटक देयर एंड ऑल्सो घर पे वो कॉर्नर नहीं होता है उसको उसके सामने बस अंकिता होती है जब मीडिया पूरी बैठी थी वो उस कॉर्नर की हर डायरेक्शन से यही अगर प्लॉट आ रहा है सो ही नीड्स टू अपोलोजाइज बिकॉज ही हैज गॉट नोवेयर टू गो इसीलिए वो नीचे बैठा और उसने जो ड्रामा किया वो किया एंड ऑल्सो एंडी आई सी आई सपोर्ट अंकिता आई वॉन्ट दैट शील विन बट आई नो शी वॉन्ट विन सो अभिषेक और मुनव्वर में आई फील कि इफ इट इज दोनों की पर्सनल लाइफ उछाली है दोनों को बहुत सारे सिचुएशंस में डाला है बट द वे बोथ ऑफ देम हैव डील्ड विद इट इज वेरी डिफरेंटली एंड दैट इज व्हाई आई फील मुनव्वर शुड गो अहेड बिकॉज अभिषेक को जब वो सिचुएशन में डाला वो थप्पड़ निकाल मार के बाहर गया बट मुनव्वर इफ ही वुड हैव हैड टू रिएक्ट वो कुछ भी रिएक्ट कर सकता था ही हैज सेड थिंग्स अबाउट नाजिला एंड ही हैज डन थिंग्स वो सब किया है बट द थिंग इज वो जो इंटेंसिटी है अभिषेक और मुनव्वर के कंपेरिजन की वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस है मतलब द वे अभिषेक इज रिएक्टेड एंड द वे मुनव्वर हैज रिएक्टेड ही हैज कंट्रोल्ड हिज इमोशंस एंड ही हैज रीच्ड वेयरएवर ही इज मतलब उसका और द थिंग इज व्हेन ही न्यू कि उसकी इतनी बड़ी फैंडम है बाहर और उन सब लोगों के सामने ये सब जा रहा है इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस सो आई थिंक ही हैज हैंडल्ड हिमसेल्फ वेल थैंक यू वेरी मच लेट्स गो टू सृष्टि सृष्टि के पास जाएंगे हमसे फिर आपके पास आएंगे फिर क्रिस्टीना का हमें रिव्यू भी लेना है गाइस कम ऑन लेट्स कीप इट शॉर्ट लेट्स गेट टू सृष्टि दूसरों ने किया है ये क्या है गोद में बैठ जाओ वगैरह कभी नहीं बोला मनारा ने उससे एक वर्ड स्लिप ऑफ टंग होता है और इंटेंशनली गलत बोलना इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है स्लिप ऑफ टंग भी रॉन्ग है बट वो अपोलोजाइज कर देती है फर्स्ट थिंग दिस एंड मैं आयशा को ये भी सॉरी ऐश्वर्या को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मुनव्वर के लिए बोल रही है कि उसने कंट्रोल किया है उसको पोक नहीं किया गया था विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स विच केम इन एंड सेकेंड ऑफ ऑल अगर पोकिंग की हम बात करते हैं तो अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया था गंदा बोल के भी मनारा को इतना कुछ बोला गया है वो बंदी ने सिर्फ मजाक में सब उड़ा दिया एक थप्पड़ तक नहीं मिला तो आप बताइए कौन है ज्यादा डिजर्विंग मुनव्वर तो कहीं से भी नहीं है वो बहुत ही जलील इंसान है मुझे तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद आते जिंदगी में आई वुड ऑनेस्टली लाइक उस इंसान को तो बिल्कुल अंकिता को भी मिल जाए उसको तो नहीं मिलनी चाहिए थैंक यू वेरी मच आई जस्ट टेक दिस क्रिशा स्टार्स थैंक यू वेरी मच अरे ये दोनों मियां बीवी बड़ी चंट लोग हैं दे आर मेकिंग ऑडियंस कूल
and making BV win the show. My heart goes to Manara and Arun. Thank you so much for your super chat. Super appreciate all of your opinions. Okay, we've got Aishwarya. I think Hamza ka turn hai, guys. Then I'll come to Aishwarya and then Sanj, and then we'll come to Christina. Yes, मुझे सबसे पहले श्रीष्टि को बोलना है कि मनारा ने भी बहुत गंद बका है, इन्होंने भी बका है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मनारा ने हाथ नहीं उठाया तो उसका गंद बिल्कुल साफ हो जाता है। नहीं, वो भी पूरा पूरा बोलती थी, अच्छे से बोलती थी, और सब एक लेवल पे गलत रहे हैं, और वो तो शुरू शुरू से रही है, और उसको तो कभी बोलना ही नहीं जाता था वीकेंड, जो हम सब भी बोल रहे हैं उसको किसी वीकेंड पे नहीं। और वो जो दोस्ती के लिए बोला गया था वो बिल्कुल चिंदी पॉइंट था, बड़े बड़ी बातें वो करती थी उस पर नहीं बोलते थे। इवन तो करेक्टरलेस वाली बात पे भी कहा गया था उसकी फीलिंग्स ढूंढिए अच्छी ही होंगी, तो यहाँ पर अभी बैशिंग मिलती है, वहां नहीं मिलती थी। तो ये मीडिया ने आके सब एक्सपोज किया है जो हमें अभी बहुत ज्यादा लग रहा है। दूसरा, ऐश्वर्या को मैंने ये बोला था, वो उसे अंकिता को बहुत अच्छे से पता है कि 24/7 जो कैमरा चलता है, मीडिया आएगी तो बस ये नहीं होना था टेलीकास्ट, हर चीज जाती है, उसको पता है कि मुझे किस तरह पोर्ट्रे करना है कि मैं अभी भी अर्चना ही हूँ पवित्र रिश्ता की। और दूसरा, आपने एक पॉइंट बोला था कि विकी जो है उसको लगता था कि मैं बड़ा अच्छा पति दिख रहा हूँ, या मीडिया को लगता है, नहीं, विकी को हर हफ्ते बताया जाता है तुम्हारे जितना गंदा आदमी ही कोई नहीं है, तो उसको अच्छे से पता है कि उसकी इमेज क्या दिखाई जा रही है। ये मुझे बोलना था। थैंक यू, लेट्स गो टू सांज एंड देन ऐश्वर्या। हाँ, मुझे सिर्फ ऐश्वर्या इतना बोलना कि आप ना कंपेयर ही नहीं कर सकते हो मुनव्वर कैसे डील कर रहा था और अभिषेक कैसे डील कर रहा था। एक ने एग्रेशन दिखाया, एक ने अपने गर्लफ्रेंड्स को या पार्टनर्स को चीट किया है, तो दोनों के ट्रेड ही डिफरेंट है। वहां पे जो बंदी आयशा आई थी, जब उसने उसको बोला तो उसने भी माना, अभिषेक ने भी माना। अभिषेक तो इसीलिए हमें पसंद नहीं है ना, क्योंकि वो एग्रेशन दिखाता है, मतलब अननेसेसरी एग्रेशन दिखाता है, इसलिए तो अभिषेक की वो पर्सनैलिटी को लोगों नहीं पसंद आए। ऑन अदर सेम साइड, मतलब ये अगर मैं मुनव्वर को बोलूं, उसको इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे कि वो किसी के साथ लॉयल नहीं रहा। एंड इस घर में भी कभी मनारा, कभी अंकिता, कभी वो फ्रेंडशिप या अभिषेक को लेके भी पीठ पीछे उसने जो चीजें की है वीकेंड का वॉर के फीडबैक के बाद, तो वो ट्रेड ही डिफरेंट है, तो मैं कंपैरिजन दोनों को लेके कर ही नहीं सकते। बस, थैंक यू फॉर दैट। लेट्स गो टू ऐश्वर्या। एंडी, एक्चुअली जैसे अभी सांज ने बोला कि वो किसी के साथ लॉयल नहीं रहा, अभिषेक भी किसी के साथ लॉयल नहीं था, वो सिर्फ मुन्ना के साथ लॉयल था, क्योंकि उसको पता है उसकी कितनी बड़ी फैंडम है और कितनी बड़ी फॉलोइंग है। और अभिषेक ने क्लियरली बोल दिया, जो समर्थ एक्चुअली उसके क्लोज आ रहा था एंड दे वर बिकमिंग फ्रेंड्स, इसको तो मैं, वो कैमरा में आके ही सेड, इसको तो मैं बस यूज करूंगा, देखो आगे आगे मेरा गेम क्या है, ईशा को भी मैं यूज करूंगा। सो ये सब उसके दिमाग में पहले से ही था। आई थिंक ही इज द मोस्ट स्क्रिप्टेड कंटेस्टेंट अभिषेक, उसको एग्जैक्टली पता है क्या बोलना है। वो भी है ना, ऐसे ही मैं ऐसे ही हूँ, दिस इज अर्शी खान्स कमेंट फ्रॉम बिग बॉस सीजन 11 कि मैं ऐसे ही हूँ, बिकॉज सलमान खान ने आस्क करके आप ऐसे, हाँ मैं ऐसे हूँ, एंड देन शी स्टार्टेड यूजिंग दैट। और उसका हर कैसे हर बात वो किसी ना किसी सीजन से लेके आता है, सो वो पूरा रट के आया सीजन, एंड आई रियली फील कि अभिषेक इज द मोस्ट स्क्रिप्टेड। सो एंड मैंने ये नहीं कहा कि उनके सिचुएशंस क्या थे, मैंने कहा पर्सनल जो उन पे अटैक हुआ है वो उसने कैसे डील, आई एम नॉट कंपेयरिंग द सिचुएशंस, आई एम जस्ट सेइंग द हाउ लाइक द वे दे हैव डील्ड विद एवरीथिंग, कि एक का अग्रेशन था, एक थोड़ा शांत बैठ के ही वो स्टिल ट्राइंग टू पुश हिमसेल्फ अहेड। और जो सृष्टि ने बोला रिगार्डिंग मी टेकिंग अभिषेक एंड मुनव्वर साइड, मैं सिर्फ अभिषेक और मुनव्वर को कंपेयर करी थी, मनारा अंकिता नोबडी इज इन द इक्वेशन, बिकॉज द टॉप टू आर अभिषेक एंड मुनव्वर, सो आई वॉज डूइंग अ कंपेरिजन बिटवीन दीज टू गाइज। Thank you very much, Neeti K. Thank you for the super chat. Yes, Manna, Manara is the reason for Ankita's insecurity. Khan Zadi and Isha language and Aisha's character assassination. She is not best, but mental health now. Yeah, but you know, can I say something about Big Boss? मुझे जल्दी से बोलना है। देखो, at the end of the day, आप एक शो में जाओगे जहाँ पे Big Boss में आप 24/7 कैमरे पे रहोगे, वहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ, आपका पूरा उठना बैठना, भागना, you know, जो भी है, खाना पीना है, all of that is on camera. So it is going to affect your mental health. This show is about that. It's a social experiment. आपका mental health इसमें आएगा, और अगर पहले से आपको कोई भी issues है वो ज्यादा यहाँ पे highlight होंगी। मैं इस show में जा चुका हूँ, मैं final तक पहुंच चुका हूँ, मैं पूरे समय 105 दिन रह चुका हूँ इस घर के अंदर, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि it weighs heavy on your mental health. जब 10 साल पहले जब मैं शो में गया था तब मेंटल हेल्थ का कुछ था ही नहीं। जिस तरीके से मुझे गालियां दी गई थी, जिस तरीके से मुझे डेली
डेली गालियां और होमोफोबिक कमेंट्स करे जाते थे ऑन अ डेली बेसिस. आई वाज कैरेक्टर असैसिनेटेड ऑन अ डेली बेसिस. तब किसी को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं था. एट वन पॉइंट इन द हाउस आई हैड टू सी साइकियाट्रिस्ट इन द हाउस बिकॉज आई हैड फ्लिप्ड. वो मुझे आके कहते थे आप हंसाते नहीं हो अब, आप ऐसे नहीं. बट वेन यू आर सो ब्रोकन इन साइड यू कान मेक अदर्स लाफ एनी मोर. Because I was sick and tired of making everyone laugh in the house and seeing the good in them. Because I couldn't believe that people are so evil that they could actually make you feel like shit all the time. And that's the reality of this show. So, jab aap sign karte ho na contract ki hume ye show mein jana hai, you are putting your mental health in the hands of the Big Boss team. So stop calling the mental health card right now. Kyunki jin jinon ne contract sign kiya tha na, उन्होंने इसको देख के ही, इसको परख के ही, इसको अच्छी तरह से तराश के साइन किया था. तो स्टॉप दिस नॉनसेंस. यू नो आई एम सिक ऑफ इट बिकॉज लुक आई एम समवन हूज बीन थ्रू इट. सो इफ आई डोंट नो देन नोबडी नोज. ट्रस्ट एंडी माय न्यू हैशटैग. Akshat, thank you for the super chat. No one is a saint. Everyone has done something in their life. We are not seeing an aggressive man for the first time in Big Boss. Also, we don't know how Abhishek's side of the story, like she has cheated him on earlier. Abhishek, you know, Abhishek ka pyar jo aapko dikh raha hai na, main aapko ye nahi kahunga ki aap usko pyar na kare. Main kahunga aap karte raho, aap obviously uske fan ho, and I'm absolutely happy for you. But jahan se main baitha hoon, मैं सारी लोगों की खामियां मैं तो लेके आऊंगा सामने. और जहां तक अभिषेक का है, उसकी काफी सारी खामियां हैं जो जो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वी've सीन ही डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल वेयर ही वांट्स टू लर्न एंड ग्रो. एंड अगर उसको यहाँ पे आप विनर बना देंगे ना, जो सारी वो खामियां हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, एंगर मैनेजमेंट, साइको गोइंग आफ्टर अ वुमन, All of these things जो वो कर रहा है ना, जैसे वो चीजें जो निकाली भी हैं ईशा के बैग से, we are saying that आप अगर एक साइको स्टॉकर बनो या फिर आप लड़कियों के ऊपर चार्ज करो, बेबुनियाद अपनी एंगर दिखाओ, एक सेकंड में रो दो, this is, you know, it's too much. And to make someone win who has these many problems is telling someone like him that this is okay. कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आपको तो विनर बना दिया. इट्स ओनली गोना गेट वर्स देन, एंड इफ इट गेट्स वर्स इट्स ओनली बैड फॉर अभिषेक. सो एक्चुअली इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर दैट आई एम सेइंग दैट ही शुड नॉट विन दिस एंड ही शुड गेट सम हेल्प. एंड नो डेरोगेटरी सेंस आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर एंड लव. एंड इफ यू कांट अंडरस्टैंड दैट देन आई फील सॉरी फॉर यू. ओके, फाइनली अ प्लेस ऑफ केयर एंड लव. Christina, sorry for the long wait. Everyone wants something or another, but welcome. Hello. I'm a big, you know, like fan of you and Chugli Gang. Yay. I first watch your review and then I watch the episode. Hold on. Okay. I'm on mute. But I could still hear that. I don't know what's going on. Okay, let me see where it is. Isn't I just? Yeah, is it better now? Just can you put your? Yeah, I can. How about? Yeah, I can hear you. Is now. It better? Okay. Yeah. Okay. So it's not better for Aishwarya. It's better for me. But can I say something, Aishwarya? I had आपका ना बंद करा स्पीकर और आपके स्पीकर में कर 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 आ रहा था. It's your speaker, Aishwarya. आपका स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है? It's Aishwarya. So okay, let's start. Yeah, with... So the reason I came here, I'm from Nepal, so Hindi आती है, but it's going to be a little difficult. I'll try. So the main thing I want to say is about Ankita. Like, you know, she came with her husband. अच्छा है कि husband के साथ आए. She should have used him as like a strength, right? What she's doing, whatever insecurities he has, wo apne husband ke upar hi, she's like throwing everything at her husband, which does not look right. And she wants to like, kya kehte hai ki,
to make herself better, she's like showing that somebody else is bad. So that's one thing I don't like about her. Yeah, yeah, season, I don't like anybody, to be honest. I'm just watching because of Chugli Gang. I'm watching because, if you know, I watch the review first and then they go watch the episode and then see if my kind of like thoughts match with anybody. Another thing, Manara, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अभी अच्छी लगती है because of Ankita. मुझे विकी अच्छा नहीं लगता था, बट मुझे अभी विकी अच्छा लगता है because of Ankita, what he's been, I mean, she's been doing to him. And basically मुझे क्या लगता है कि ये शो ना, आई थिंक बिग बॉस इज नॉट एज बिफोर. इट्स जस्ट लाइक सैड दैट वी आर जस्ट हियर फॉर फाइट्स. देयर इज नो लाइक आई डोंट सी दैट मेंटल स्ट्रेंथ बीइंग टेस्टेड. It's being tested in ways that it's so like it's going below the belt. Everything is going below the belt. And one thing I wanted to say is like whoever wins, I think Arun has my heart. I think Arun should win. If there is a Big Boss fan who's like just watching Big Boss for Big Boss and not for the contestants, I think Arun should win. And that's all. Thank you. For joining us, super appreciate it. That's really lovely that aap Nepal se join kar rahengi, and no, that's so lovely. Sorry, I'm from Minnesota. I'm you're in Minnesota right now, you're not in Nepal, yeah. But you're from Nepal originally. Yeah, that's amazing. Well, thank you for joining, super appreciate it. Lovely to hear from you, and hopefully you can join us another time, but take care for now, and I will see you another time. Okay guys, I think that's time that we call the end of the show for today. And so guys, definitely bahut sara इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आया है. अभी जो प्रोमो का जो सीन है, प्रोमो में बस यही दिखाया है कि इन्होंने टास्क कराना है, नॉमिनेशन का आखिरी टास्क, और वहां पे टास्क के दौरान वो नॉमिनेट भी करेंगे और एविक्ट भी करेंगे. सो दैट वे वी विल सी के कौन नॉमिनेट होके एविक्ट होता है. जहां से मेरी खबर जो आई है मेरे पास वो है विकी जा चुका है घर से बाहर ऑलरेडी मिड वीक एविक्शन से. एंड टॉप फाइव आपके अभी हैं अंकिता, मनारा, मुनव्वर, अभिषेक और अरुण. और ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको मनारा के लिए सपोर्ट करना है, मैंने अपनी ट्विटर अकाउंट पे अभी स्टे स्ट्रॉन्ग मनारा का क्या कहते हैं ट्रेंड शुरू किया है. इफ यू वांट टू सपोर्ट दैट, प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इट. आई थिंक शी इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड and targeted, overly targeted, and that's why I've done that, because I think it's not fair. And जिस तरीके से उसको उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, आई थिंक इट्स नॉट राइट. बट सेइंग दैट, अगर मैं किसी को चाहता हूं इस सीजन को जिताना, अगर मेरे हाथ में होता, अगर मैं सलमान खान की जगह होता और मैं किसी का हाथ उठाना का काम कर रहा होता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अरुण का हाथ उठाना चाहता इस वक्त. ओके गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स अगेन. आज बहुत बड़ा दिन था. अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई है श्री राम जी की मंदिर की, और मैं आई होप कि मेरी लाइफ में मैं एक बार वहां पे विजिट कर पाऊँ. डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, एंड अगेन जय श्री राम टू एवरीबडी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. नमस्ते योगा, योगा से होगा. से बाय चुगली गैंग. Bye everyone.